अलग अलग है। आप भक्ति अंग, आप उदाहरण के रूप में भक्ति आंदोलन को ले सकते हैं। भक्ति आंदोलन जो हिंदी प्रदेश में होता है, वही समय बंगाल में या वही समय असम में नहीं रहता है, या दूसरी जगहों पर भक्ति आंदोलन का वो समय नहीं रहता है। सभी जगह पर भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलग अलग जगह पर होती है। अब जब आप भारतीय साहित्य का अध्ययन करेंगे, तो यह समस्या आएगी कि आप जो काल विभाजन करें, वो काल विभाजन का समय क्या दें, एग्जैक्ट समय क्या दें, क्योंकि हिंदी प्रदेश में अलग है और बंगाल में अलग है, उड़िया प्रदेश में अलग है, असमी में अलग है, मलयालम प्रदेश में अलग है, तमिल में अलग है, कन्नड़ में अलग, गुजराती में अलग है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारतीय साहित्य के अध्ययन में। चौथी समस्या है कि राष्ट्रीय एकता की भावना की समस्या है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि आजादी से पहले या उससे भी थोड़ा और पहले, अंग्रेजों के समय तक या अंग्रेजों के आने से थोड़ा पहले तक, भारत खाने या टुकड़ों में विभाजित था। अलग अलग जगह के अलग अलग राजा हुआ करते थे, उनका अपना शासन प्रशासन था। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों के लिए एक राज्य दूसरे राज्य के साथ लड़ा करते थे, झगड़ते थे, उनमें एकता की भावना नहीं थी। एक जो बहुत बड़ा राष्ट्र या बहुत बड़ा देश जो आज आप देख रहे हैं, इसकी भावना नहीं थी। तो उन्होंने जो कविताएं लिखी या उन्होंने जो साहित्य की रचना की, वो एक कह सकते हैं आप समस्या है कि चौथी समस्या जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो समस्या का अध्ययन नहीं करें, क्योंकि नहीं काफी कठिन काम हो जाता है। दोस्तों, एक विषय है यहाँ पर,
टॉपिक है, अगला टॉपिक कि भारतीय साहित्य में आज के भारत का बिंब। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिंब क्या होता है। बिंब को अंग्रेजी में इमेज के माध्यम से चित्र बनाता है। किसी ने कविता लिखी तो वो शब्दों के माध्यम से इस तरह से चित्रित करता है कि आप जब कविता पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कवि क्या कह रहा है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है, चित्रबद्ध किया जाता है, अथवा मानसी प्रतिकृति कह सकते हैं कि मन के अंदर किसी चीज को उतार देना। और बिंब का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है इमोशन को, फीलिंग को, भावनाओं को जगाना। अगर आप कोई कविता पढ़ते हैं तो भावनाएं जागृत होती हैं। एक अंग्रेजी के विद्वान थे सी डी लुईस या सी डी लेविस, हिंदी में उनको कहते हैं, उन्होंने कहा है कि इमेज इज ए पिक्चर मेड ऑफ वर्ड, यानी बिंब शब्दों से निर्मित आकृति। तो ये टॉपिक जो है वो है भारतीय साहित्य में आज के भारत का बिंब। कहने का मतलब कि जो आज का भारत है, वर्तमान भारत है, वो भारतीय साहित्य में किस प्रकार से उभर करके सामने आया है। मैंने कल एक बात आप लोगों से कही थी कि भारतीय साहित्य में मैत्री यानी मित्रता, दोस्ती, करुणा, हर्ष यानी खुशी या आनंद, और उपेक्षा, ये आप देखेंगे कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में लगभग एक जैसा मिलता है। दूसरी बात आप यह भी देखेंगे कि भारत में जो एक धर्म के जो आराध्य हैं वो दूसरे धर्म में भी पूजनीय है। कोई देखेंगे कि अगर शिव की पूजा करता है या राम की पूजा करता है या अन्य दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता है तो दूसरे धर्म के जो भगवान होते हैं या जो भी धर्म गुरु होते हैं उनको आप देखेंगे कि उनको अनादर, उनके साथ अनादर पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, उनको भी इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं और आदर देते हैं। इसका साहित्यिक उदाहरण आप देख सकते हैं कि सिख धर्म के गुरु नानक जी ने चंडी यानी दुर्गा के चरित्र का खूब सुंदर वर्णन किया है, जबकि दुर्गा हिंदू धर्म जी करते हैं। आप देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर और दूसरे बहुत सारी महात्माओं का खूब बढ़िया से, अच्छे ढंग से उल्लेख किया गया है। आप देखेंगे कि जायसी मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, तो पद्मावत में वो आप देखेंगे कि जायसी तो मुसलमान थे लेकिन पद्मावत में उन्होंने हिंदू जो लोक पीर त्योहार व्रत अनुष्ठान इसका खूब अच्छे से वर्णन, एक मुस्लिम कवि हिंदू कथाओं का वर्णन या हिंदू लोक व्यवहार का वर्णन खूब अच्छे ढंग से करता है। रहीम और रस खान मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने कृष्ण की भक्ति की। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको लगभग संपूर्ण भारतीय साहित्य में या संपूर्ण भारत में आपको देखने को ये इन तरह की चीजें मिलेगी।
एक बात और है कि प्राचीन काल से ही आप देखेंगे कि भारतीय धर्म तथा संस्कृति ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया। कालिदास उत्तर भारत के थे, लेकिन जब आप कालिदास के रघुवंश को पढ़ेंगे या भवभूति के उत्तर रामचरित को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दक्षिण भारत का अच्छा वर्णन मिलता है। आप देखेंगे कि दक्षिण के लोग काशी आते हैं, बनारस, और उत्तर भारत के लोग रामेश्वरम जाते हैं धर्म के उद्देश्य से, धार्मिक कार्य की पूर्ति हेतु। तो जो दक्षिण कि आपसी गतिविधि लगातार बनी रही, कभी उन्होंने दुश्मनी का भाव नहीं रखा कि मैं दक्षिण भारत का हूँ तो मैं उत्तर भारत क्यों जाऊँगा, या मैं उत्तर भारत का हूँ तो मैं दक्षिण भारत क्यों जाऊँगा। आपको कल भी मैंने बताया और फिर आज बता रहा हूँ कि शंकराचार्य दक्षिण भारत के थे, लेकिन उन्होंने संपूर्ण भारत में चार पीठों की स्थापना की, और एक तरह से कही कि उन्होंने धार्मिक एकीकरण का प्रयास करने का प्रयास किया कि भारत धार्मिक रूप से एक हो। राजनीतिक रूप से तो अलग अलग हो सकता है, सांस्कृतिक रूप से अलग अलग हो सकता है, भाषाई रूप से अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका प्रयास था कि धार्मिक रूप से भारत धर्म के मामले में एक जैसा हो। उन्होंने अपना उस तरह का प्रयास किया। तो अगर वो यह समझते कि मैं दक्षिण भारत का हूँ तो मुझे उत्तर भारत या पश्चिम भारत या पूर्वी भारत जाने की क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा। सुब्रमण्यम भारती आज हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय साहित्य में आज के भारत का बिंब है, ढंग से उभर करके सामने आया। जब मैं या हम सभी आज का भारत कहते हैं तो आज का भारत का मतलब कि आजादी के समय या आजादी के बाद का भारत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिकता का उदय, जिसको अंग्रेजी में मॉडर्निटी कहा जाता है, कि मॉडर्न हो जाना, आधुनिक हो जाना, तो आधुनिकता का उदय, आधुनिकता की शुरुआत 1850, ऐसा लोग मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि 1850 1850 के बाद आधुनिकता की शुरुआत हुई। और आधुनिकता की शुरुआत हुई, आधुनिकता के जो लक्षण थे उस लक्षण के बारे में बताया कि राष्ट्रवाद की चेतना, नेशनलिज्म की भावना, ये आधुनिकता का एक लक्षण दिखाया गया है। और आधुनिकता, आप देखेंगे कि आधुनिकता का ये लक्षण लगभग लगभग 1850 के बाद संपूर्ण भारत के साहित्य में एक साथ एक प्रदेश में भारतेंदु हरिश्चंद्र नवजागरण के या पुनर्जागरण के अग्रदूत बने। उन्होंने आगे बढ़ाया नवजागरण की भावना को, आधुनिकता की भावना को। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी प्रदेश में, बंगाल में देखेंगे, बांग्ला प्रदेश में तो राजा राम मोहन राय, तमिल प्रदेश में देखेंगे तो रामलिंग सुमिगल, तेलुगु में देखेंगे तो वीरेश लिंगम, मराठी में देखिए लोकमान्य तिलक। तो इन लोगों का प्रभाव लगातार
लेकिन लगभग लगभग उनका समय एक जैसा था। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदी प्रदेश में भारतेंदु जी चला रहे हैं और संपूर्ण भारतीय प्रदेश के साहित्यकार चुप बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे प्रदेश में चल रहा है वो आंदोलन, और इसका प्रभाव आप भारतीय साहित्य पर देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य में भी लगातार भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन, वीरेश लिंगम, लोकमान्य तिलक, इन लोगों की जो विचारधारा थी, इसका प्रभाव दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट कि राष्ट्रीय चेतना, जो राष्ट्रीय चेतना थी, राष्ट्रीय चेतना यानी जो गुलाम भारत था, गुलाम भारत को मुक्त करने की जो चेतना थी, या भारत गुलाम क्यों है, इस पर जो विचार किया गया, तो इसमें आप देखेंगे कि जो स्त्रियां गुलाम थी, तो उस पर भी उस समय में विचार किया गया था। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ स्त्रियों की गुलामी पर भी बहुत सारी बातें लिखी गई थी। दलित चेतना, जो शूद्र थे और जातिवाद उसका मुख्य कारण आप कह सकते हैं कि जातिवाद, तो ब्राह्मणों के द्वारा या उच्च जातियों के द्वारा जो निम्न जातियों को सताया जाता था, अभी भी इसके लक्षण आप देख सकते हैं, या इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन उस दौर में ये बहुत ज्यादा था। अब तो लोग आधुनिक हो गए हैं, लोगों में लोकतंत्र के प्रति मर्यादा का भाव अब जगा है, तो अब इस तरह की चीजें कम मिलती हैं। लेकिन उस दौर में जब इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा थी, तो दलितों के समर्थन में या जातिवाद के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी गई थी और प्रश्न उठाया गया था कि आखिर ऐसा सामाजिक असमानता क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ दलित मुक्ति और स्त्री मुक्ति का प्रश्न भी साथ ही साथ चला था। इसी समय भाषा का भी प्रश्न चला था कि हमारे पास एक भाषा होनी चाहिए जिससे हम सभी लोग आपस में आपसी संवाद कर सकें, तो ये भी प्रश्न चला था। तो हिंदी प्रदेश में ही आप देखेंगे कि ब्रज, अवधी, इन भाषाओं का बोलबाला साहित्य में था, लेकिन उस समय देखेंगे कि उसके बाद खड़ी बोली हिंदी स्थान ले लेती है, जो हिंदी आज है, जिसमें मैं अभी बोल रहा हूँ या जिसमें आप पढ़ रहे हैं। तो ये हिंदी पहले इतनी चलन में नहीं थी, लेकिन जब राष्ट्रीय चेतना जगी तो एक भाषा की भी जरूरत हुई और खड़ी बोली हिंदी ब्रज और अवधी का स्थान ले लेती है। तो सुब्रमण्यम भारती को आप देखेंगे कि तमिलनाडु में, तमिल प्रदेश में वो तमिल भाषा में आंदोलन कर रहे हैं। चिदंबरम पिल्लई हैं, ये भी वही हैं। VVS अय्यर, ये भी तमिल प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। श्री कन्हैया, गोविंद शंकर भट्ट, ये लोग कन्नड़ में आंदोलन चला रहे थे। केरल वर्मा, ये मलयालम में आंदोलन चला रहे थे। तो ये सारे जो लेखक हैं, इन सारे लेखकों ने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना को भरपूर जगह दी है। चौथा पॉइंट या चौथा बिंदु आप कहिए कि साम्यवादी प्रभाव। साम्यवादी प्रभाव, मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी कि कार्ल मार्क्स का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी और लेनिन उसके अग्रदूत थे। तो लेनिन के नेतृत्व में वहाँ जब क्रांति हुई, तो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक तरह से आंदोलन उठ खड़ा हुआ, और भारत के जो लोग थे वो कह रहे थे कि दरअसल
अभी जो आंदोलन चल रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, ये आंदोलन ठीक नहीं है। हमें ऐसी क्रांति चाहिए कि जिसमें आज़ादी के जो आज़ादी के बाद जो सरकार बनेगी, जो सत्ता होगी, वो किसानों और मजदूरों की सत्ता होगी, यानी तमाम लोग उसमें भागीदारी करेंगे और चीजों पर सबका अधिकार, समान अधिकार होगा। तो इस तरह की धारणा खुल करके सामने थी, और इसका कारण वही रूसी आंदोलन, या कह सकते हैं कि सोवियत संघ में जो आंदोलन हुआ था उसका प्रभाव था। और ये केरल में, बंगाल में और तेलुगु में विशेष इसका प्रभाव रहा था। इन जगहों पर आप देखेंगे कि विशेष प्रभाव है 1936, 1936 के बाद जो साम्यवादी आंदोलन हुआ था। आज आप देख सकते हैं कि 25 या 30 वर्षों से कई तरह के विमर्श चल रहे हैं, जिसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श, किन्नर विमर्श, ये सभी प्रमुख विमर्श हैं। इसके बाद विकलांग विमर्श और भी बहुत सारे विमर्श हैं। तो ये जो विमर्श चल रहे हैं या डिस्कोर्स चल रहे हैं, ये विमर्श इसलिए चल रहे हैं कि जो समाज के हाशिए के लोग हैं, हाशिए का मतलब यह कि जो पीछे छूट गए हुए लोग हैं, जैसे दलित, जैसे स्त्री, जैसे किन्नर, या जिसको थर्ड जेंडर आप कह सकते हैं, तो ये लोग पीछे छूट गए हैं। ये लोग समाज में, समाज का जो मेन स्ट्रीम है, इसमें ये लोग पार्टिसिपेट सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इन लोगों को लेकर के अलग अलग जगहों पर मूवमेंट लगातार चल रहा है। दलित विमर्श, मैंने कहा कि दलित विमर्श लगभग लगभग एक साथ पूरे भारत में शुरू हुआ और चल रहा है, अभी चल रहा है दलित विमर्श। तो दलित विमर्श पर निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रभाव है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद को दलितों के शोषण का मुख्य कारण माना था, और उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था कि मनुस्मृति ही दरअसल भारत में जातिवाद या जो जाति आधारित जो आज लगभग संपूर्ण भारत में एक तरह से छासा गया है, और हर एक पढ़े लिखे लोग जो दलित तकलीफ, अपनी पीड़ा, जो सवर्ण सवर्ण यानी जो समाज के ऊंचे ऊंची जाति के लोग हैं, उनके द्वारा जो उनको तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, उसको वो लगातार दिखा रहे हैं। एक लक्ष्मण गायकवाड़ ने उचक्का लिखा, या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने हिंदी प्रदेश में जूठन जैसा जैसी आत्मकथा लिखी, और आज तो बहुत सारी आत्मकथाएं आ गई। उनको आप पढ़ेंगे तो आप, एक बात तो आपको समझ में आएगी कि जो दलितों की पीड़ा है, या जो दलितों की तकलीफ है, या जो जातिवाद का जो विष है, वो आप देखेंगे कि संपूर्ण भारत में लगभग लगभग एक जैसा है। थोड़ा थोड़ी आधुनिकता आ जाने से या थोड़ी
अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो जाने से कहीं कम गई हो आज, लेकिन लगभग लगभग एक जैसा है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो स्त्रियों की समस्या, जो स्त्रियों की मुख्य समस्या जो स्त्रियों ने बताया है, स्त्रीवादियों ने बताया है, तो वो कहती हैं कि दरअसल जो निम्न जातियों या निम्न वर्ग की जो स्त्रियां या जो उच्च वर्ग की स्त्रियां सोच उनको पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है, और जो इतना ही नहीं उनके साथ शोषण और अत्याचार वो किया जाता है सामंती शक्तियों के द्वारा। लेकिन जो उच्च वर्ग की स्त्रियां हैं उनके ऊपर ओनर या प्रतिष्ठा का भाव एक तरह से डाल दिया जाता है कि आप तो देवी हैं, आप तो महान हैं, आप तो गृह लक्ष्मी हैं। इतनी प्रतिष्ठा या इतना प्रतिष्ठित कर दिया जाता है उनको कि उनकी सारी स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाती है। अब वो घर से बाहर निकल नहीं सकती हैं क्योंकि वो तो देवी हैं, और देवी का काम तो है कि आप बस उनकी पूजा कीजिए, तो वो घर से बाहर निकलेंगी नहीं। तो उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उसको छीन लिया गया है पितृसत्ता के द्वारा, और शिक्षा के अधिकार से तो वंचित किया गया, रोजगार के अधिकार से वंचित किया गया, और तमाम अधिकारों से वंचित किया गया। उनके लिए जो काम दिया गया या जो काम करवाया जाता है वो घर के अंदर, अब सवाल यह है कि घर के अंदर जो काम उनसे करवाया जाता है उसका, जैसे बच्चों की देखभाल करना या और भी बहुत तरह के गृह कार्य हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता है, कोई उनको रकम नहीं दी जाती है, कोई इकोनॉमी में घर की जो इकोनॉमी है इसमें उनका कोई हिस्सा, इकोनॉमी में उनका कोई हिस्सा नहीं होता है। इस वजह से अगर आपके पास आर्थिक विपन्नता है तो आप सोसाइटी में सही नहीं माने जा सकते हैं, यानी सोशल स्टेटस आपका नीचे रहेगा सोसाइटी में। तो इस तरह से स्त्रियां लगातार पिछड़ती चली गईं, कार्य उनको दिया गया उसमें वो करती रहीं। तो आज की जो स्त्रियां हैं या आज का जो स्त्री विमर्श है वो तो इतना मुखर होकर के सवाल उठाता है कि गर्भ मेरा है और अगर मैं इसमें बच्चा रखूं या न रखूं इस पर हक मेरा है, और मैं चाहूंगी तो बच्चा रखूंगी, मैं चाहूंगी तो बच्चा नहीं रखूंगी। मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह एक पंक्ति लिखी थी कि धन्य धन्य वह लाल की माई जिसने जना भरत सा भाई। मैंने वो कैकेयी को महान बता रहे हैं, महान इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि कैकेयी महिला थी या एक उनकी भी अपनी पहचान या उनकी अस्मिता थी, वो इसलिए महान बता रहे हैं कि इसलिए वो धन्य है क्योंकि कैकेयी ने भरत जैसा भाई पैदा किया है, यानी वो कोई स्त्री ना हो बल्कि बच्चा पैदा करने की मशीन। तो कहने का अर्थ यह कि आज की स्त्रियां
जो स्त्री विमर्श चला रही हैं या नारी विमर्श चला रही हैं, वो बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और ये स्थिति हिंदी प्रदेश में या अंग्रेजी की लेखिका या बंगाली की लेखिका ही ऐसा नहीं कर रही है, जबकि आप देखेंगे और पाएंगे कि संपूर्ण भारत की जो लेखिकाएं हैं वो सभी लेखिकाएं एक साथ एक तरह से स्त्री विमर्श पर अपना कलम चला रही है, अपनी लेखनी चला रही है। तो आज के भारत में आप दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, किन्नर विमर्श, इन सभी को आप देख सकते हैं, पा सकते हैं। तो आज के भारत का जो चित्र है या आज के भारत का जो बिंब है, वो सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में एक जैसा दिखाई देगा, एक जैसा देखने के लिए मिलेगा। आज जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो सोशल चेंजेज हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन में आप देख सकते हैं कि पर्यावरण विमर्श भी आजकल चल रहा है। तो पर्यावरण विमर्श भी, चाहे वो मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी हो, बंगला, उड़िया, असमिया, तो सब में पर्यावरण विमर्श को लेकर के कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं लिखी जा रही। आज आप देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत में और भारतीय भाषाओं में कथा साहित्य टाइम की, संपूर्ण भारतीय भाषाओं में कथा साहित्य जो केंद्रीय विधा है, केंद्रीय विधा का मतलब कि मुख्य विधा के रूप में उभर करके सामने आए हैं कथा साहित्य। आज सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार, पूंजीवादी शक्तियों का जो एक तरह से अतिक्रमण है और बेरोजगारी का विरोध, इसका स्वर संपूर्ण भारत के साहित्य या भारतीय भाषाओं के साहित्य में दिखाई देता है। कि आप देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार चाहे राजनीतिक भ्रष्टाचार हो या नौकरशाहों के द्वारा हो या कहीं पर भी हो, इन भ्रष्टाचारों पर खूब लिखा गया है और लिखा जा रहा है। जो पूंजीवादी शक्तियां हैं, जो मॉल कल्चर, तो इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट बहुत सारी रचनाएं आपको देखने के लिए जाएंगी एक साथ भारत में। ऐसा नहीं है कि हिंदी प्रदेश में लिखा जा रहा है और दूसरे प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारतीय साहित्य इसका गवाह आज है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपके पास, आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास रोजगार की समस्या है, रोजगार के साधन नहीं है कि आप कुछ काम कर सकें, युवा हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए भी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं कि सरकार की नीतियों की आलोचना करती हैं वो रचनाएं, कि सरकार की नीतियां गलत हैं और इन नीतियों के कारण ही लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये भी आपको संपूर्ण भारतीय साहित्य में मिलेगा।
मैं चल रहा था कि भारतीयता, जब आप, मैंने कहा आप तमिल प्रदेश के और आप केरल चले, केरल में मलयालम भाषा है और वहाँ पर अचानक से कोई बोलने वाला आदमी दिखा कि उसका आदमी के उसके साथ बात करने लगे, कोई हिंदी बोलने वाला हो से उसे कोई दूसरे प्रदेश हिंदी का आदमी जाए तो उसे तो ये तो ये बात। लेकिन तो आप मान लीजिए कि भारत से काफी इंग्लैंड चले जाएं या अमेरिका या अन्य दूसरे देश में दूसरे ले जाएं और वही भारत का आप, तो आप हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारे रंग रूप अलग हो सकते हैं, हमारा जो मैं लंबा हूँ आप छोटे हैं, आप लंबी हैं कोई छोटा है या कोई छोटी है, तो इस तरह की चीजें, कोई गोरा है कोई काला है, इस तरह की चीजें हो सकती है। आप रोटी खाते हैं वो चावल खाते हैं, तो इस तरह की चीजें हो सकती है, यानी खान पान अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, बोल चाल बोली चाली और रीति रिवाज व्रत त्योहार ये भी अलग हो सकते हैं, लेकिन जो स्वाभाविक गुण है वो कभी अलग नहीं होता है, संपूर्ण भारत में आप देख सकते हैं। तो अगर कोई भारत का या भारतीय उपमहाद्वीप का भी अगर बाहर मिल जाता है तो हम बड़े हर्ष के साथ उससे मिलते हैं। तो ये जो फीलिंग है या ये जो अंदर से जो अंदर की जो भावना है, यही दरअसल एक तरह से आप कह सकते हैं कि यही भारतीयता है और यही भारतीयता का बोध करवाती है यही फीलिंग। अगर आप देखिए कि युद्ध छिड़ा हुआ हो भारत का किसी भी दूसरे देश से, पड़ोसी मुल्क से युद्ध है, लड़ाई चल रही है, तो आप हमेशा देखेंगे कि कश्मीर का मसला हो, गुजरात का मसला हो, बंगाल का मसला हो, अरुणाचल प्रदेश का मसला हो, आपके अंदर एक फीलिंग रहेगी, आपने कभी अरुणाचल नहीं में अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए या कश्मीर के लोगों के लिए या बंगाल के लोगों के लिए जिस दिशा में या सीमा पर युद्ध छिड़ रहा हो या छिड़ गया हो, तो वहाँ के लोगों में एक सहानुभूति उमड़ने लगती है कि वहाँ के लोग बहुत तकलीफ में होंगे या वो क्षेत्र कभी भी भारत के हिस्से से नहीं बाहर जाना चाहिए, वो भारत के अंदर रहना चाहिए। तो ये जो इंटरनल फीलिंग है, जो अंदर की जो ये चीज है, ये दरअसल भारतीयता है। भारतीयता कह सकते हैं कि मैं इंडियन हूँ या मैं भारतीय हूँ, ये भारतीय ये पहचान है आपकी है, लेकिन जो भारतीयता है यह फीलिंग है, एक तरह से भावना है, इसको आप दिखा नहीं किसी को सकते हैं, ये अंदर ही अंदर उमड़ती रहती है। तो ये जो फीलिंग बनी है या ये जो अंदर की जो चीजें हैं,
ये दरअसल यहाँ पर लगातार रहते रहते और स्वाभाविक गुण एक तरह से है, तो यही भारतीयता है। और भारतीय साहित्य को बहुत सारी विचारधाराओं ने रूपायित किया है। भारतीय साहित्य को अगर आप देखेंगे तो शुरुआत से ही इस पर संस्कृत साहित्य जो जिस है और लौकिक संस्कृत दोनों का प्रभाव रहा है भारतीय साहित्य। वैदिक संस्कृत में तमाम जो वेद की जो कथाएं हैं उसका असर संपूर्ण भारतीय साहित्य पर एक साथ पड़ा है। जो लौकिक संस्कृत है, जैसे लौकिक संस्कृत में कालिदास का जो साहित्य है या वर्णभट्ट का साहित्य है या आगे भवभूति का साहित्य है या मान लीजिए कि जयदेव का साहित्य है, पर कम या अधिक जरूर पड़ा हुआ है। जैन धर्म इसका जो प्रभाव है या इसकी जो विचारधारा है इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। या उसी के समानांतर अद्वैत का जो दर्शन था शंकराचार्य का उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। द्वैत जो दर्शन था माध्वाचार्य जी का उसका प्रभाव दिखाई देगा। इस तरह से आप देखेंगे कि तमाम जो वैष्णव धर्म और भी जो भी धर्म हैं उन सभी धर्मों का प्रभाव आपको दिखाई देगा। इस्लाम जब आता है तो इस्लाम का प्रभाव भी आप देख सकते हैं। कबीर ने तो बहुत जगह विरोध भी किया है, लेकिन बहुत जगह कबीर के साहित्य में इस्लाम का प्रभाव भी दिखाई देगा। जो एकेश्वरवाद है, एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, एकेश्वरवाद का प्रभाव भारतीय साहित्य में अनेक जगह पर आपको दिखाई देगा। फिर आप इस्लाम के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो और भी जो भी लगातार विचार और विचारधाराएं सामने आई हैं उन सारी विचारधाराओं जो ये प्रभाव है वो लगभग लगभग दिखाई देता है। जितनी भी जीव या जितने भी दूसरी संस्कृति की चीजें आई है कुछ लोगों ने ग्रहण किया कुछ लोगों ने त्यागा, लेकिन पूर्ण रूप से विरोध नहीं हुआ। अच्छी चीजें लगातार ली गई और जो त्यागने योग्य चीजें हैं उसे लगातार त्यागी गई है या छोड़ी गई है। तो ये भी एक तरह से भारतीय लोगों का आप गुण कह सकते हैं और इसका प्रभाव भारतीय साहित्य पर भी पड़ा है।
तो यही लगातार स्थिति अभी है यहाँ पर कि भारतीय साहित्य की जो आज तक की विचारधारा है, जैसे मैंने कहा था, कल भी कहा था कि मार्क्सवाद का प्रभाव जो 36 के समय भारत में प्रगतिशील आंदोलन बनकर के आया था, उसका प्रभाव भी, उस विचार का प्रभाव भी आपको दिखाई देगा। और गांधीवाद जो लगभग 1920 के बाद आप कह सकते हैं कि गांधी जी का प्रभाव, जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था कि अगर कोई अनशन कर रहा है, धरना कर रहा है या भूख हड़ताल कर रहा है, तो वह सामने वाले से यह चाहता है कि मैं भूख हड़ताल करूंगा तो सामने वाले का हृदय परिवर्तन होगा और वह मेरी बात मान लेगा। तो एक तरह से ये गांधी जी की विचारधारा थी, हृदय परिवर्तन की विचारधारा। तो ये विचारधारा आज भी आप देख सकते हैं कि लगातार बनी हुई है। तो इन संपूर्ण विचारधाराओं ने भारतीय साहित्य को प्रभावित किया है। गांधीवाद के समय ही अंबेडकरवाद की विचारधारा थी, लोहिया की विचारधारा थी। तो इन सारी विचारधाराओं ने भारतीय साहित्य को प्रभावित किया है और रूपायित भी किया है भारतीय साहित्य को। भारतीय साहित्य में ये अपना अपना रूप लेकर के सामने आई है। आज भी आप देख सकते हैं कि अंबेडकर की विचारधारा पर उपन्यास, कहानियाँ, या मार्क्स की विचारधारा पर, साम्यवादी विचारधारा पर कहानियाँ, कविताएँ और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है जो मजदूरों के हितों को संरक्षित करते हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, तो ये जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल की, या दिनकर की कुछ कविताएं हैं, या आप श्री श्री की कविता तेलुगु में देख सकते हैं, तो इन लोगों की कविता आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि लगभग लगभग एक ही समय में नागार्जुन हिंदी प्रदेश में मिथिला के थे, लेकिन उन्होंने मैथिली में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। तो एक तरह से हर एक विचारधारा भारतीय साहित्य में अपनी जगह बनाती है। खराब चीज़ों को त्याग दिया जाता है, अच्छी चीज़ों को ले लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों नमस्कार, नमस्कार मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी। हाँ सुन रही ना क्लास में मैं। आने के बाद डाउट इसलिए आया, जो वहां दिख रहे थे वे लोग यहाँ भी दिखने लगे तो मुझे डाउट आ गया। नमस्कार जी। नमस्कार, क्योंकि अखिला जी को वहां देखा मैंने, फिर इस कक्षा में है तो मुझे डाउट आ गया। मैं फिर गलत सेकेंड ईयर में ही चला गया था सोचा। हाँ, तो आपकी कक्षा हुई थी ना अभी तक, भारतीय जो साहित्य पे, भारतीय साहित्य पे? हाँ, मैं चाहूंगा कि हमने जो 3 कालों से संबंधित अध्ययन किया है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, और आज आधुनिक काल की चर्चा करने जा रहे हैं। और तो मैं पढ़ाते जाऊंगा तो पूरा 1 घंटे का समय उसी में चला जाता है कि आपके कुछ भी जिज्ञासाएं, डाउट्स हैं इस विषय से संबंधित पूछ नहीं पाएंगे। तो वैसे हम संक्षेप में आधुनिक काल को समझेंगे। तो आधुनिक काल की समय सीमा आप जानते हैं, हिंदी साहित्य में लगभग 1850 से लेकर आज तक हम आधुनिक काल ही कहते हैं। तो आधुनिकता की अवधारणा से लेकर फिर दूसरी बात, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको एक संज्ञा दी थी, वो संज्ञा है गद्य काल। क्योंकि तीनों कालखंडों में ज्यादा प्रचलन काव्य का था, हम कह सकते 99% काव्य का ही प्रचलन था रीतिकाल तक, और आधुनिक काल में ही आकर गद्य का विकास हुआ। फिर ऐसा कहकर फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रीतिकाल में गद्य नहीं था, लेकिन बहुत कम था। तो इसलिए इस विषय में आगे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपका, जैसे तीनों कालों से, चौथे चारों कालों से संबंधित, मतलब इस विषय से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं हैं, डाउट्स हैं, और इसको पढ़ने में कहीं दिक्कतें हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। पहले ये इंटरेक्शन के बाद फिर हम विषय में प्रवेश करेंगे, ताकि आपके पास आपके सवाल क्लियर करने का भी समय रह जाए। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इस विषय की तैयारी में, जो भी आपने अभी तक अध्ययन किया और आपको समझ में नहीं आ रहा था। आप माइक अनम्यूट करके पूछिए। अखिला जी, गीता, हन्ना, कोमला, तनीषा, सेंथिल, सेंथिल राजी और भव्या, श्रीविद्या, पूजा, विजया, रविचंद्रन जी, रविचंद्रन जी तो कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, काव्या, प्रभावती, निमिषा बिनु। तो इसमें अकिला जी कभी उस क्लास में कुछ ना कुछ सेकेंड ईयर में पूछ रहे थे। बाकी आप लोग, आपके डाउट्स कुछ हैं तो वास्तव में ज्यादा इंटरेक्शन से आप लोग सीखेंगे। हम लोग कुछ लेक्चर जैसे दे दें जो रेगुलर क्लासेस में देते हैं, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, इंटरेक्शन से ज्यादा सीख सकते हैं। तो इस विषय के अध्ययन में आप पढ़ते रहें घर पे, तो क्या कोई दिक्कतें आ रही है आप पूछ सकते हैं, ताकि उस एंगल में मैं आपको बोलते हुए विषय को कवर करूंगा। तो किसी का कोई ऐसा है नहीं डाउट्स इस सब्जेक्ट में? जी नहीं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर था। हाँ, वो तो था, लेकिन मैं मैं ये इट्स पूछ जस्ट रहा था, टाइम लेकिन आपकी पढ़ाई में कहीं दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आप अकेले घर पे बैठ के पढ़ते हैं, तो इसमें जो भी आपकी समस्याएं हैं तो उसको मैं क्लारीफाई करूं, ताकि किस अप्रोच के साथ आप पढ़ें। हाँ, तो आज हम जाएंगे। धन्यवाद काव्या जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं। हाँ अकिला जी, कुछ पूछ रहे थे? ग्रंथ लक्ष्य ग्रंथ आपने कहा था ना, जी दोनों जी जी दोनों का अंतर। हाँ, तो अभी देखिए, लक्षण ग्रंथ जो मैंने कहा था, जिसमें काव्य रचना संबंधी और काव्य निर्माण संबंधी
काव्य अलंकार संबंधी, काव्य रस संबंधी, मतलब काव्य निर्माण संबंधी, काव्य कैसे लिखें, काव्य कैसा होना चाहिए, इससे संबंधित जो लक्षण लिखे जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल छंद, अलंकार, रस और बाकी जो भी काव्यांग है, तो उनका वर्णन और उदाहरण देते हुए जो कुछ लिखा जाता था उनको काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं, उन्हीं को लक्षण ग्रंथ कहेंगे। मतलब काव्य शास्त्र संबंधी जो ग्रंथ होते थे जिसमें काव्य कैसे लिखना चाहिए, उसको कैसे अलंकृत बनाना चाहिए, तो कैसे उसका छंद होना चाहिए, कैसे उसमें रस की निष्पत्ति होनी चाहिए, तो ये सो जो सारी बातें होती हैं, ऐसी जो रचना होती है उसको हम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहेंगे। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को ही हम लक्षण ग्रंथ कहेंगे। लक्ष्य ग्रंथ का मतलब इनका अनुप्रयोग करने वाले ग्रंथ, मतलब हमने समझ लिया कैसे काव्य लिखना है, हम नहीं लिखेंगे कि काव्य कैसे लिखना है, काव्य कैसा होना चाहिए, हम सीधा काव्य ही लिख देंगे। तो उस काव्य में हम उसका अनुप्रयोग करेंगे, मतलब हम अलंकृत काव्य लिखेंगे, हम रसबद्ध पंक्तियां लिखेंगे। तो इस प्रकार जो रचनाएं की जाती है तो उनको लक्ष्य ग्रंथ। तो लक्षण ग्रंथ में नियम होते हैं, लक्ष्य ग्रंथ में उन नियमों का प्रयोग हम करते हैं, यही फर्क है। तो समझ गए अखिला जी, लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ में यही फर्क है। समझ गई। जी हाँ, और कोई डाउट है? तब तो हम आधुनिक काल से संबंधित चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि आधुनिक काल जैसे मैंने कहा 1950 से 1850 से लेकर फिर आज तक। हाँ श्री विद्या जी कुछ बोल रही आप? अच्छा नहीं जी ठीक है नहीं। ठीक है। तो आधुनिक काल 1850 से लेकर आज तक हम मानते हैं, क्योंकि आपको जैसे 1900 तक तो हमने कहा था रीति काल, लेकिन 1900 से लेकर फिर आज तक होना चाहिए, लेकिन उसको हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे 1850 के आसपास। उस समय 1857 की बात आप जानते हैं, जिसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, मतलब तो जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं पहला आजादी आंदोलन कहते हैं। तो इस समय जो चेतना आई थी, तो उस समय से लेकर तो हम आधुनिक काल की शुरुआत को मानते हैं। तो इसी संदर्भ में जैसे आधुनिक काल को दो में बांटकर हम देखेंगे, एक काव्य विधा की रचना, दूसरा गद्य विधा की रचनाएं। गद्य विधा की रचनाओं की दृष्टि से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के संबंध में कहा था आधुनिक काल गद्य काल है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में आप देखेंगे उन्होंने भाषा को लेकर और उसकी रचनाओं की शैली को लेकर काफी चर्चा की है, तो आधुनिक काल के संदर्भ में काफी और चर्चा की है। तो आपको हिंदी में गद्य की शुरुआत के संदर्भ में फिर जाना पड़ेगा कोलकाता के पास। कोलकाता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, मतलब आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से तो स्थापित संस्थाओं में ये एक महत्वपूर्ण संस्था है फोर्ट विलियम कॉलेज। और फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेजों ने ऐसा किया था कि वहां पे कुछ पंडितों की नियुक्ति की थी, तो ये पंडितों को काम ऐसा दिया गया, उनका काम ये था जो अंग्रेजी के ग्रंथ थे उनको हिंदी में अनुदित करना। तो अंग्रेजी के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करते समय उनके सामने दो नियम रखे गए, तो ये तो देवनागरी में करेंगे हिंदी में, तो दूसरा देवनागरी में जो करेंगे वो थोड़ा बहुत संस्कृत निष्ठ भाषा होगी, और दूसरा जो अनुवाद करेंगे तो वही उसी ग्रंथ का अनुवाद, मान लीजिए कोई अंग्रेजी का उपन्यास है उसका अनुवाद कर रहे हैं, तो उसका दूसरा जो अनुवाद होगा तो उसमें लिपि जो है फारसी लिपि होगी, देवनागरी नहीं होगी वहां पे, और जो शब्द हैं तो अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल उसमें होगा। तो आप समझ गए, अंग्रेजों के संबंध में सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जाता है कि उन्होंने भारत में विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई थी कहा जाता है। तो
तो विभाजन करो और शासन करो नीति का मतलब वही आपको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनकी थी। तो यहां पे देखिए, जब एक देश में एक रचना का अनुवाद करवाते थे और एक ही भाषा में उसका अनुवाद होता था, मतलब हिंदी ही थी वो, लेकिन हिंदी की दो शैलियां अपनाई गई और उसके लिए दो लिपियां अपनाई गई। हिंदी के लिए संस्कृत निष्ठ हिंदी को अपनाकर देवनागरी का प्रयोग किया गया, और दूसरी तरफ आपको हिंदी में ज्यादा फारसी और अरबी के शब्दों का इस्तेमाल करके, तो फिर उसको फारसी लिपि में, जैसे उर्दू की स्क्रिप्ट है तो अरबी फारसी स्क्रिप्ट में उसको लिखने के लिए उनको कहा गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने जो भी काम शुरू किया उस समय, वो सब गद्दी का काम था। तो इसलिए हिंदी गद्य के आविर्भाव को लेकर जब बात करते हैं तो उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और उसकी भूमिका की बातें हमारे सामने आ जाती है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में ये जो प्रयास हुए हैं तो उनको आरंभिक हिंदी गद्य के रूप में मानते हैं, लेकिन मैंने अभी स्पष्ट किया था कि आपको रीतिकाल में भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं, और रीतिकाल से पहले भी, जैसे भक्ति काल में भी थोड़े बहुत उदाहरण मिल जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका उल्लेख किया है, उदाहरण भी दिया है। तो चूंकि हमारे प्रेजेंटेशन पास, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा था, सीधा ही बोल रहा था, प्रेजेंटेशन आज इसलिए नहीं यूज किया, अभी भी मैं सेकंड ईयर में पढ़ा के आ रहा था, वहां पे डेली जैसे बता रहा था कि मेरा प्रेजेंटेशन होते समय मुझे आप लोग नहीं दिखेंगे, तो आप लोग जब बोलेंगे मैं सुन पाऊंगा लेकिन आपको देख नहीं पाऊंगा, कहा प्रेजेंटेशन शुरू किया, लेकिन मुझे वहां कोई कॉशन नहीं दिया कि शुरू में मेरी बात सुन पाए, तो उसके बाद प्रेजेंटेशन चलता रहा, मैं बोलता रहा आधा घंटा, कोई कुछ नहीं कहे, कहीं मुझे 1 मिनट के लिए यहाँ डिस्टरबेंस आया, जस्ट मैंने चेक किया तब पता चला मैं बस अपने आप बोलता जा रहा था, मेरा प्रेजेंटेशन मेरे सामने प्रदर्शित हो रहा था, किसी ने मुझे क्वेश्चन नहीं दिया ना अपने होस्ट लोगों ने मुझे बताया फोन करके। तो इसलिए मैंने अभी सोचा आपसे इंटरेक्ट करूं मैं और आपके डाउट्स भी क्लैरिफाई करूं, इसलिए प्रेजेंटेशन अभी चालू नहीं किया मैं। और कुछ बातें, प्रेजेंटेशन तो आधुनिकता को लेकर एक प्रेजेंटेशन पहले से मेरे पास है, मैंने बनाया था, और लेकिन केवल आधुनिकता की अवधारणा पर हम जाएंगे तो आप ज्यादा विस्तार से आधुनिक काल को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आधुनिक काल की बातें आपको समझाने के लिए कुछ मैं ओरली ही कहना चाह रहा हूँ। आप चाहते तो वो भी प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा जो आधुनिकता की अवधारणा को लेकर है। तो यहाँ आधुनिकता की अवधारणा मात्र समझने का हमारा आशय नहीं है, तो हम आधुनिक काल के साहित्य की मतलब साहित्य के स्वरूप को समझें और कैसे आधुनिक कालीन साहित्य का विकास होता गया और उसकी संवेदना का विकास कैसे हुआ और आधुनिक कालीन जो प्रवृत्तियां हैं साहित्य की वो समझने के दृष्टि से। तो इसलिए मैंने सोचा आज इंटरैक्टिव रहें, मैं स्क्रीन पे आपको दिखते रहूं और मेरा प्रेजेंटेशन ऑफ रहे, फिर आप पूछें तो आपका जवाब मैं दूं, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन चालू नहीं किया। आप चाहेंगे तो वो आधुनिकता संबंधी प्रेजेंटेशन चालू करूंगा, बट मैं चाहता था कि पूरा ही आधुनिक काल कवर करना है, और आधुनिक काल को एक आधे घंटे में 1 घंटे में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, फिर भी संक्षेप में हम कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भारतेंदु, प्रभावती जी आप बोल रही है कुछ आपका, जी, हाँ बोलिए। मैं तमिल में क्या पूछ रहा है जी। हाँ पूछ सकती हैं, पूछ सकती हैं। ओके जी, मैं प्रवीण पूर्वाद में आधुनिक काल और रीति काल में आधुनिक काल में छायावादी रहस्यवादी जी हालामोले जी तो जी 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 वेरी गुड। हाँ ये जी, सब एग्जाम में लिखना है या नहीं जी। यस, ये सब जो कुछ आपने पढ़ा वही तो हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आपने छायावाद जो भी पढ़ा और रहस्यवाद जो भी पढ़ा, विशेषकर छायावाद एक काव्य आंदोलन के नाम से छायावाद का बहुत ही महत्व है हिंदी साहित्य में, और ये जो जो आपने पढ़ा ये सब, एक तो रहस्यवाद जो बात है वो रहस्यवाद, यहाँ तक कि कबीर के रहस्यवाद से लेकर बात शुरू होती है, फिर
आधुनिक समय में भी रहस्यवाद, स्पेशली छायावादी रहस्यवादी दृष्टि को भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे, प्रगतिवाद सारे, तो उसी पे अभी बात हो रही है। तो मैं वही आपसे पूछ रहा था कि आपने जो कुछ पढ़ा उसमें जो भी आप जानते हैं वो बता सकते हैं, दूसरा इंटरेक्शन कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभावती जी, आपको याद है कि आपने प्रवीण पूर्वार्ध में क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबके सब बीए हिंदी पढ़कर नए आए हैं यहाँ पे, कोई ना कोई ऐसे ओरिएंटल टाइटल्स आपके पास हैं, तो इसलिए मैं चाहता था कि आप इंटरेक्ट करें, तो कितने आसानी से आप इसको पढ़ सकते, मैं समझाना चाहता था। चलो, जैसे प्रभावती जी ने अभी आपको मोटिवेट किया, मैं वही वही से शुरू कर रहा था कि भारतेंदु से। तो हम काव्य के जो आंदोलन हुए हैं, और उस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले हम भारतेंदु को मानते हैं, और गद्य काल हमने कहा आधुनिक काल को, लेकिन पद्य का उस समय से लेकर आज तक भी पद्य भी चल रहा है, गद्य भी चल रहा है, तो लेकिन गद्य लेखन ज्यादा है पद्य की तुलना में, और पद्य आज भी लिखते हैं, हर कोई कवि है वास्तव में, तो हर कोई मैं कहूंगा कि कम से कम, क्योंकि मैं लेखकों का मेरा अच्छा संपर्क है, पहले से मेरी पत्रिका भी थी, तो 70% लोग कविता से ही बात शुरू करते हैं, बाद में ही कुछ और विधाओं में लिखते हैं, भले ही वे कवि के रूप में स्थापित हो ना हो। जैसे प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद ने ही शुरुआत में एक आध कविताएं लिखी थी, बाद में वो उपन्यासकार और कहानीकार बन गए, तो इस प्रकार कविता, लेकिन काव्य जो है आप रीतिकाल तक सभी विधाओं के लिए, जो भी विधाएं हैं उनके लिए उसी का प्रश्रय लिया गया था पद्य का। सर्जनी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कल आपका टॉक सुन रही थी, उस टाइम पे मुझे वीडियो भी नहीं दिख रहा था, आप ही दिख रहे थे। आज तो मुझे कुछ भी प्रेजेंटेशन भी नहीं दिख रहा है, और आप भी नहीं दिख रहे हो। अच्छा, सुनिए, आप यहाँ 18 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, तो जो भी 18 लोग यहाँ दिख रहे हैं, जिसमें जिसको आप देखना चाहेंगी, यहाँ आपको दिख रहा है ना पीपल, पीपल में 18 दिख रहा है, उसमें जाइए, उसमें यदि मुझे देखना आप चाहती हैं, तो वहां मेरे नाम के सामने एक पिन जैसा होता है, उसको क्लिक कीजिए तो मैं दिख जाऊंगा आपको, ठीक है। तो या सबको देखना चाहती हैं तब भी आप नीचे जी नहीं, जो, हाँ देख पा रही हैं? नहीं सर, आप, हाँ हाँ देख पा रही है सजनी जी, अभी नहीं, प्रेजेंटेशन अभी भी शेयर नहीं कर रहा देख हूं पा रहे। मैं, अभी भी नहीं देख पा रही। आप नाम में जाइए, मेरा नाम जहां है, आप यहाँ पे आपको दिख रहा है पीपुल कौन कौन है इसके अंदर, ठीक है, हाँ, फोन में भी पार्टिसिपेंट्स जो भी है, पार्टिसिपेंट्स में जाइए सबसे पहले आप, तो उसमें नाम सबके दिखेंगे, तो जहां मेरा मेरा नाम सबसे नीचे होगा, क्योंकि मेरा नाम देवनागरी में है, बाकी सबके नाम अंग्रेजी में है, सबसे पहले अकिला जी का नाम दिखेगा आपको, तो फिर भाव्या, सबका ऐसा नाम दिखेगा, सबसे नीचे मेरा नाम दिखेगा, ठीक है, विजया जी के नीचे मेरा नाम दिखेगा, मेरे स्क्रीन में मेरा नाम सबसे ऊपर दिखेगा, आपके स्क्रीन में आपका नाम, मेरा नाम नीचे इसलिए दिख रहा है कि मैंने अपना नाम देवनागरी में लिखा है, तो वहां मेरा नाम दिखते ही मेरा फोटो भी दिख रहा है, वहां पिन पे क्लिक कीजिए ताकि आप देख पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो शायद आपका नेटवर्क की भी समस्या है, आप एक बार बाहर गए थी, तो आप ट्राई कीजिए, दिख जाएगा जैसे। हाँ अभी दिख रहा है सजनी जी, अभी दिख रहा हाँ, अभी दिख है? रहा अच्छा है। अच्छा थैंक ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। अभी मैंने प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल नहीं किया इस सेशन में। हाँ, तो जैसे हमने काव्य आंदोलनों की बात शुरू की, सबसे पहले हम भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेद युग, उसके बाद छायावाद, और फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद की बातें करते हैं, तो उसके बाद नई कविता आंदोलन की बात आती है, तो नई कविता के साथ बात समाप्त नहीं होती, फिर बात होती है आपके समकालीन कविता की बात, तो ये इसमें आप छायावाद से लेकर नई कविता तक इन सबको आंदोलनों के नाम देते हैं, तो ना आंदोलनों के नाम इतने ही नहीं है, इनके अलावा भी हैं, तो आंदोलन क्यों कहा जा रहा है इनको, और इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब यहाँ मुद्दे हैं आपके लिए काव्य के दृष्टि से,
जैसे आप काव्य की शैली, भाषा और सभी दृष्टियों से यदि देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु युग के संदर्भ में। तो भारतेंदु युग में आपको पता है, जैसे रीति काल तक जो है, रीति काल तक आते आते काव्य में ज्यादा ब्रजभाषा का ही बोलबाला था, और का मतलब विशेषकर वहां पे रीति परंपरा जो चल पड़ी थी, तो रीति और दूसरा श्रृंगारिकता ज्यादा होने की वजह से, और विशेषकर दूसरा भक्ति के लिए भी ज्यादा ब्रज का ही इस्तेमाल होता था। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि दक्षिण में स्वाति तिरुनाल का नाम किसी ने सुना होगा जरूर। स्वाति तिरुनाल जो है आपके केरल के एक राजवंश के युवराज थे, तो उन्होंने उसी समय मतलब 18वीं सदी में उन्होंने मलयाली रहते हुए भी और केरल प्रदेश में रहते हुए भी, त्रिवेंद्रम में रहते हुए भी, उन्होंने ब्रज में गीत रचे थे। तो मतलब उस समय भारतीय भाषाओं में विशेषकर हिंदी में तो ब्रज ही का लेखन चलता था, जिसको हम हिंदी कह रहे हैं। हिंदी के नाम से, हिंदी साहित्य के नाम से अब तक जो भी पढ़ा हमने, उसमें खड़ी बोली की हिंदी की बातें कम थी। बाकी जैसे अवधी हो, ब्रज हो और अपभ्रंश, बाकी तमाम बोलियों के जो साहित्य है, उसी की बातें हमने तीनों कालखंडों में की है। लेकिन अब चौथे कालखंड में जब हम पहुंचे, आधुनिक काल, तो यहाँ इसकी शुरुआत भी इसमें पद्य के साथ हुई, और उसमें पद्य रचनाएं जो ब्रज में होती थी। तो फिर गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग होता था, और अभी जो फोर्ट विलियम कॉलेज की बात मैंने कही थी, तो वहां पे गद्य का मतलब वही खड़ी बोली गद्य था। लेकिन खड़ी बोली के भी दो रूप आ गए थे, जैसे मैंने कहा कि संस्कृत निष्ठ एक खड़ी बोली, और दूसरा जैसे अरबी फारसी शब्दों से निष्ठ खड़ी बोली। तो एक्चुअली आज हम दो भाषाएं जिनका नाम ले रहे हैं, एक उर्दू और हिंदी, ये अलग दो भाषाएं नहीं है वास्तव में, इनको एक ही भाषा मानते हैं, और दोनों भी भारतीय भाषाएं, कोई विदेशी भाषा नहीं है इसमें। हिंदी भी भारतीय भाषा, उर्दू भी भारतीय भाषा। इनके दो नाम बनने को लेकर यदि आपकी जिज्ञासा है, आप जरूर पढ़ेंगे। सेंथिल राजी जी, आप कुछ पूछना चाह रही है? हाँ जी, हाँ हाँ खड़ी पूछिए। बोली, खड़ी बोली हाँ और ब्रज भाषा, इसका मतलब हाँ तो आजकल हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप जिस भाषा में पूछा, ये खड़ी बोली है क्या? खड़ी बोली, राजी जी, ने जिस हाँ भाषा का प्रयोग जी, किया, जिसको हिंदी कह रहे हैं हम, उसका मूल नाम खड़ी बोली है, खड़ी बोली राइट? जी, ठीक है हाँ, सर। शुरू में खड़ी बोली कहते थे, अभी हम हिंदी कह रहे हैं। ब्रज जो है, जैसे सूरदास के पद आपने सुना, सूरदास को पढ़ा ना आपने, सूर सागर पढ़ा, तो सूरदास की भाषा जो है वो ब्रज है। तो ब्रज में लगातार मतलब 12वीं सदी से लेकर आपके 19वीं सदी तक भी ब्रज का प्रयोग होता रहा। काव्य में केवल ब्रज का ही प्रयोग करते थे ज्यादा से ज्यादा, और बाकी जैसे आपको एक नाम और सुनाया ना, जैसे कबीर दास ने जो भी प्रयोग किया, वो थोड़ी मिक्सिड लैंग्वेज थी, जिसको सदुपकड़ी हमने कहा था। और फिर अवधी का प्रयोग किया, अवधी का प्रेमाख्यान का काव्य परंपरा में भी किया गया, राम भक्ति वालों ने भी किया, जैसे तुलसीदास ने किया और जायसी ने किया अवधि का। तो रीति काल में ज्यादा से ज्यादा जो है ब्रज का प्रयोग था। तो आधुनिक काल में भारतेंदु और उनके साथियों ने जो भी लिखा, वो भी प्रति में जब लिखते थे, ब्रज का ही प्रयोग करते थे। बाद में भारतेंदु ने ही साहस किया, खड़ी बोले में लिखना शुरू किया। तो खड़ी बोली को ये मानते थे कि खड़ी बोली में उसकी जो काव्य की क्षमता खत्म हो रही है, तो मतलब जो रागात्मकता जो चाहते थे वे लोग, उसमें वो उनको मजा आता था कहने में, इसमें ब्रज में। खड़ी बोली में उतना मजा नहीं आता काव्य के लिए, गद्य के लिए खड़ी बोली ठीक था, ठीक है। इसी दृष्टि से जो है ब्रज, और ये ब्रज एक बोली है, भाषा भी इसलिए कहते हैं, बोली और भाषा का बड़ा अंतर नहीं है, केवल मतलब कम लोग जब बोलते हैं या उसके लिए लिपि नहीं है, ऐसे कुछ अभिलक्षण बोले जाते हैं। लेकिन खड़ी बोली और ब्रज, ये दोनों, ब्रज जो है अर्ली हिंदी जिसको कहते हैं, शुरुआती हिंदी के जो भी रूप है, तो उसमें ब्रज और अवधी ये आज भी जीवित है, और आज भी उत्तर प्रदेश के कई प्रदेशों में इनका इस्तेमाल होता है।
उनका अपना नेटिव मदर टंग है और मार्केट में जो लैंग्वेज प्रयोग किया जाता है वो खड़ी बोली है। अखिला ठीक है सर। जी आपने हैंड राइज किया, कुछ पूछना चाह रही है? अवधी और ब्रज में क्या अंतर है सर? हाँ, ये दोनों भी जैसे आपको हिंदी भाषा एक पाठ्यक्रम है, हिंदी भाषा पेपर है अभी आपके पास, हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान शायद, तो उसमें आप जरूर पढ़ेंगे तो संस्कृत पाली प्राकृत और अपभ्रंश के क्रम में जो भाषाओं का विकास हुआ, तो अपभ्रंश के पांच रूप थे, मतलब अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में उसके अलग अलग रूप थे और उससे विकसित जो भाषाएं और बोलियां हैं, तो उसमें प्रमुख जो अवधी और ब्रज है। तो अयोध्या नाम आपने सुना, अयोध्या, अयोध्या और आसपास के जो भी प्रदेश है वहां पे जो बोली बोली जाती है वहां कई लोगों की अपनी भाषा अवधी है। और आपने सुना आगरा और मथुरा, तो ये प्रदेश जिसको ब्रज प्रदेश हम कहते हैं, तो वहां पे ब्रज का इस्तेमाल होता है। तो मतलब पूरा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी ही है बोलने से गलत है, तो वहां पे उनकी अपनी बोलियां हैं, तो ऐसी बोलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन बड़ी बड़ी बोलियों के रूप में यदि आप जानना चाहेंगे, दो बड़ी बोलियां हैं, एक ब्रज और एक अवधी, और फिर भोजपुरी है। भोजपुरी वास्तव में बिहारी की बोली बोली जाती है, लेकिन उसका आप इलाहाबाद से लेकर उस तरफ पूरा वो भी चलता है, इलाहाबाद से लेकर आपको पटना तक जो है इसका ज्यादा बोलबाला है। तो इस तरह एक्चुअली हिंदी प्रदेश में कई सारी बोलियां हैं और ये एक एक हिंदी भाषी की अपनी अपनी बोली होती है। वो हिंदी भाषा जो मार्केट की लैंग्वेज है, उनके घरों में जो भाषा बोलते हैं वो प्योर हिंदी नहीं है, वो उनकी अपनी बोली है। ऐसी बोलियों की संख्या 100 से ज्यादा है और आप हिंदी भाषा विषय में 18 बोलियों के ही नाम पढ़ते हैं, उसमें ये दो बड़ी बोलियों के नाम आते हैं, उसमें एक अवधी एक ब्रज। तुलसीदास ने रामचरितमानस जिस भाषा में लिखा है वो अवधी है, और सूरदास ने सूर सागर जो लिखा है तो वो ब्रज है, ये अंतर है। आप सूर सागर उठाइए, उसमें एक पद्य ले लीजिए और रामचरितमानस में एक दो दोहा चौपाई ले लीजिए, दोनों को पढ़िए, आपको फर्क पता चल जाएगा कि ये दोनों कैसे अलग अलग है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी भिन्नता है, तो वही अवधि और ब्रज। तो हिंदी प्रदेश जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में हम लोगों की भाषा तमिल है, तेलुगु प्रदेश में हमारी भाषा तेलुगु है, ये सब हम जो कहते हैं, हिंदी प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भाषा हिंदी नहीं है, उनकी अपनी बोली है, तो उन सारी बोलियों के समूह को ही हिंदी कह रहे हैं। तो हिंदी को मतलब इन तमाम बोलियों के लिए एक संपर्क भाषा हिंदी है। तो और बाहर आते हैं अलग अलग बोली वाले, कॉमनली हिंदी में बोलते हैं, फिर भी उनके अपना अपनी बोली का असर उन पर रहता है। तो हम लोग जो दक्षिणवासी है, हम हिंदी को सीखते हैं तो हमारा एक मानक हिंदी बन जाता है, हम लोग जो बोलते हैं, हम पर उन बोलियों का प्रभाव नहीं आता है। लेकिन हिंदी प्रदेश में आप जाएंगे हिंदी वालों को, उनके घरों पर बोलते हुए सुनेंगे, आपको फिर लगेगा कि इस हिंदी को हम नहीं समझ पा रहे, तो वो उनकी अपनी बोली होती है। ठीक है, और खड़ी बोली जो कहा गया वही तो कॉमन लैंग्वेज है, उसी को हम हिंदी कह रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी की बोलियों को लेकर आप भाषा विज्ञान संबंधी जो भी आपका पेपर है उसमें जो भी लेक्चर्स देंगे, तब निश्चित तौर पे पूछिए कि हिंदी की बोलियों के संबंध में और हिंदी की भाषा और उपभाषाओं के संबंध में आप हमें ज्यादा बताइए, तब वहां ज्यादा जानेंगे आप। यहाँ हम आदिकालीन साहित्य को लेकर हमने बात शुरू की थी और आदिकालीन काफी विस्तृत है और हमारे पास समय आधा घंटा है, आप डाउट्स तो ऐसे पूछ सकते, कोई समस्या नहीं। शायद अभी समझ गए होंगे अकिला जी, जो मैंने कहा अवधि और ब्रज क्या है आप समझ गए। ये तो हिंदी के जो मतलब अवधि अपभ्रंश से विकसित रूपों में अर्ली हिंदी जिसको कह सकते हैं वो रूप है ये दोनों। ठीक है, ये आज भी है, आज भी उत्तर प्रदेश में लोगों की ये मातृभाषाएं हैं। ठीक है, दो बड़ी बोलियां हैं ये हिंदी की। और हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा भारतेंदु युग जिसको कह रहे हैं, 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ था और 57 में
जो क्रांति हुई उस समय तक 7 वर्षों का बालक था भारतेंदु, और भारतेंदु का नाम, भारतेंदु के नाम से हम युग की बात इसलिए कहते हैं, तो भारतेंदु एक युग प्रवर्तक साबित हुए। मतलब उन्होंने क्या किया, साहित्य में बड़ी क्रांति लाई। उस समय तक जो ब्रज भाषा में काव्य रचना होती थी उन्होंने खड़ी बोली में शुरू किया, ये तो मैंने कहा। इसके अलावा उन्होंने जैसे नाटक के ये विशेषज्ञ थे, नाटक रचते थे और कई सारी विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। तो उस दृष्टि से गद्य और पद्य का विकास इस युग में हुआ, और उनके कई सारे नाटक है, सब नाटक काफी प्रसिद्ध हुए हैं। आप स्कूलों में जरूर एक अंधेर नगरी चौपट राजा तो पढ़ाते होंगे, और ये तो काफी फेमस है। उस समय अंग्रेजों के विरोध में इन्होंने इसको लिखा था। और दूसरा जो आपके सामने जो भी आता है उनका, जो भी जितने सारे उनके नाटक और अन्य रचनाएं हैं, उनको युग प्रवर्तक क्यों कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों के नाम से, जैसे बालकृष्ण भट्ट हो या प्रेमगन हो, तमाम 7-8 कवि इनके साथ थे, और वे सब मिलकर जो उनके अपने उद्देश्यों से लिखते थे। और भारतेंदु की एक और विशेषता है कि उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और अपने समाज का सही दृश्य दिखाया, और विशेषकर इनको हम मानते हैं तो रूढ़ियों को तोड़ने वाले मानते हैं। जो भी पहले से जो रूढ़ियां चल रही थी, जैसे भाषा की रूढ़ियां ही दे लीजिए, तो ब्रज काव्य की परंपरा जो चल रही थी उस परंपरा को उन्होंने तोड़ दिया। खुद उनकी कम से कम 70-80 उनकी कृतियां हैं, तो उसमें शुरुआती कम से कम 20-25 काव्य उन्होंने ब्रज में रचे थे, लेकिन उसके बाद पद्य के लिए भी उन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल किया, आगे भी वही किया। तो फिर दूसरा भाषा को लेकर उनके कई सारे दोहे हैं, भाषा चेतना को लेकर। जैसे उन्होंने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के शूल। तो इस प्रकार के उनके भाषा संबंधी जो विचार है, उस समय भाषा खड़ी बोली के विकास में और खड़ी बोली के हिंदी के क्षेत्र में प्रयोग को लेकर उनके साहित्य और उनके प्रदेयों को बहुत महत्वपूर्ण मानते, क्योंकि ये रंगमंच के कलाकार थे, नाटकों की रचना स्वयं की और फिर उनका रंगमंच पर प्रदर्शन भी उन्होंने किया था। और अंग्रेजों के जमाने में, और अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए जो भी चेतना जगानी थी उनको, तो वो चेतना बहुत अल्पायुष्क थे, 35 वर्ष के, लेकिन काफी बड़ा प्रयास किया। और दूसरा नाम आ जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बन गए 1903 में, 3 में, 1900 में ही पत्रिका शुरू हुई थी, और शुरू में श्याम सुंदर दास और अन्य लोग इसके संपादकों में थे। और इसका संपादन कार्य जैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथ में आया, तब तक 50 साल की अवधि बीत चुकी थी। ज्यादा से ज्यादा जो भारतेंदु से प्रेरित होकर उनकी परंपरा में लिखने वाले लेखक थे। और उस समय क्या था कि आप जानते हैं कि भाषा जो है एक दिन में परिवर्तित नहीं होती। तो शुरू में जो लोग लिखते थे उनकी भाषा पर ब्रज का ज्यादा प्रभाव था। बोलियों के प्रभाव की वजह से जो है उनके व्याकरण में और उनके वाक्यों के मानकता में समस्या आ जाती थी। तो इसको लेकर जब गद्य की रचना कर रहे थे, पद्य में तो कुछ भी चल जाता है, तो पद्य का मतलब अपना रस, अपना अलंकार, अपना गठन होता है, लेकिन गद्य में ऐसा नहीं चल सकता। गद्य में मानक भाषा की अपेक्षा होती है। तो उस दृष्टि से महावीर प्रसाद द्विवेदी को अभी भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो भी उनके पास रचनाएं मिली सरस्वती में छपने के लिए, तो उनको इस ढंग से तो कठिन प्रेत माने जाते थे वे लोग। मतलब कठिन प्रेत का मतलब संपादन की दृष्टि से, तो भाषा को ऐसे सुधारते थे, ऐसे परिमार्जित करते थे, उसके बाद ही छापते थे। तो उनके कालखंड में जो भी रचनाएं आई उसमें इतना सुधार उन्होंने किया। विशेषकर आप मैथिली शरणगुप्त को उनके अपने आत्मकथन आप सुनेंगे, वे महावीर प्रसाद द्विवेदी को गुरु मानते थे। तो मैथिली शरणगुप्त की भाषा और द्विवेदी और भारतेंदु युग की भाषा में काफी फर्क है। तो ये फर्क इसलिए आया कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरणिक नियमों का पालन करते हुए भाषा को कैसे मानक रूप दिया जा सकता है, और ठेठ खड़ी बोली कैसा होना चाहिए। ठेठ का मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब उसमें कोई मिश्रण ना हो, ठीक है, प्योर।
तो प्योर को ही ठेठ कहते हैं। तो ठेठ हिंदी का मतलब क्या है, तो वो लोग वो चाहते थे कि हिंदी का जो स्वरूप निर्धारित हुआ तो अलग अलग बोली का उस पर प्रयोग नहीं होना चाहिए, मतलब अलग बोली का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, एक मानक हिंदी का विकास हो जाना चाहिए। उस दृष्टि से जो विकास हुआ तो उसके बाद जो है, और उस समय दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के उद्देश्य को लेकर भी कुछ कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे आप लोग काव्य शास्त्र में पढ़ चुके होंगे, जैसे सहितस्य भावः साहित्यम्, मतलब जो भावयुक्त होता है वही साहित्य है। तो रसेन सह साहित्य तस्य भावः साहित्यम्, ये भी आपने सुना होगा, मतलब जो रसीला है वही साहित्य है। तो जो ये सारे मनोरंजन की दृष्टि है वहां पे, मतलब हम अपने मनोल्लास के लिए, अपने मनोरंजन के लिए साहित्य हम देखना चाहते हैं, मतलब साहित्य पढ़ना चाहते हैं, जैसे दृष्टि। लेकिन आगे जाकर तो जैसे आर्ट फॉर आर्ट से एक जैसा या कुछ भी हो, लेकिन आगे जाकर जो है ऐसे उद्देश्य आ गया, मतलब हितेन सह सहितः तस्य भावः साहित्यम जैसा, मतलब जिसमें हित हो, हित का मतलब इंसान का हित हो, समाज का हित हो, तो ऐसे को ही साहित्य कहा जाता है। तो मतलब जब तक समाज की संवेदना को लेकर हम साहित्य का सृजन नहीं कर रहे हैं वो साहित्य कहलाने लायक नहीं है। साहित्य हम उसी को कहेंगे जिसमें समाज का हित हो, समाज की समस्याओं का अंकन हो और समाज का वो एकदम दर्पण बन जाए। तो इसी दृष्टि से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने विचार प्रकट किया सरस्वती के संपादकीयों के माध्यम से और अपने कई सारे निबंधों के माध्यम से, तो उनके युग के रचनाकारों पर इसका प्रभाव पड़ा। तो मतलब ज्यादा लोग उससे आकर्षित होकर किसी ना किसी प्रकार, और दूसरा एक और विशेष बात है, तो वो 1900 से लेकर 1910-15 तक की जो अवधि है, तो यही तो द्विवेदी युग की अवधि मानी जाती है, 1900 से 1915 के आसपास तक की अवधि। और उस समय तक 1910 के आसपास में महात्मा गांधी वहां आपको दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, और दक्षिण अफ्रीका में अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में, एडवोकेट के रूप में रहते हुए इन्होंने जो कुछ वहाँ भारतवासियों के बीच में, अलग अलग प्रदेशों के लोगों के बीच में काम किया और उनके हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई की, और उससे जो अनुभव उनका मिला था तो भारत में आया। भारत के संदर्भ में उन्होंने ऐसा सोचा कि भारत में लोगों के आपसी संपर्क के माध्यम के रूप में एक भाषा होना चाहिए। तो उस दृष्टि से 1918 में जो भी अधिवेशन हुआ था इंदौर में, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का, उसमें निर्णय हुआ और हिंदी का प्रचलन हुआ, वो सब बातें आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मुख्य बात ये है कि जो द्विवेदी युग में आजादी आंदोलन का दौर था और आंदोलन गति पकड़ रही थी, तो इसलिए जो भी रचनाएं लिखी जाती थी वो पौराणिक भले ही हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शुरुआती रचनाएं ज्यादा पौराणिक, और विशेषकर भारतेंदु युग में देखेंगे, भारतेंदु युग में कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीला, उनसे संबंधित और प्रेम संबंधी, श्रृंगार संबंधी रचनाएं ज्यादा आती थी। तो ये सारी रचनाओं को लेकर जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अपने विचारों को देखेंगे, उनकी खड़ी आलोचना थी कि जब तक समाज का हित नहीं है तो वो साहित्य नहीं कहला सकता। तो मतलब आधुनिक समय में हमारे सामने जो चुनौतियां आ गई थी, और आधुनिक समय में ही आकर तो एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसको हम मध्य वर्ग कहते हैं। तो पहले या तो पूरे के पूरे गरीब थे या संपन्न थे, तो बीच वाले कम थे। तो लेकिन आधुनिक समय में आकर बीच का वर्ग उदय हुआ जिसको हम मध्य वर्ग कहते हैं, क्योंकि जैसे ही औद्योगिक संस्कृति का विकास अंग्रेजों ने किया तो उस संस्कृति के बीच में गरीब जो है थोड़े धीरे धीरे जो है कमाने लगे, तो वो मध्य वर्ग के बनने लगे। तो एक निचला तबका वैसे भी रह गया था तब। तो जैसे रीतिकाल के संदर्भ में कल हमने चर्चा की थी, तो रीतिकाल में संपन्न लोगों के लिए ही साहित्य लिखा जाता था, वहां पे उदाहरण भी बता दिया था मैंने, तो गरीबों के कोई दृश्य वहां दिखते नहीं थे। लेकिन आधुनिक काल में आकर तो इनको, जिसको हम कह रहे हैं काल के प्रणेता या काल युगकर्ता जिसको हम कह रहे हैं, तो ऐसे युगकर्ताओं में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनके अपने विचार जो प्रकट किए, इसका निश्चित तौर पर उन पर प्रभाव रहा। और फिर भी जो भी काव्य रचनाएं हुई थी
तो वो परंपरागत जो भी हमारे पास दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, तो उन्हीं के आर पार ही भ्रमण कर रहे थे। लेकिन आप मैथिली शरणगुप्त को देखेंगे, मैथिली शरणगुप्त ने साकेत की रचना की, और बाकी जितने भी आप जयद्रथ वध हो और भी रचनाएं आप देखेंगे, पंचवटी हो बाकी हो, तो इसमें एक उद्देश्य ये था इनका कि एक उद्देश्य कि हमें अंग्रेजों के विरोध में लड़ना है। तो पौराणिक रचनाओं में कुछ ऐसे वीरों को चुनकर सामने पेश किया जाता था, फिर से वही काव्य लिखे जाते थे लेकिन अपने ढंग से लिखते थे, उसमें कई मौलिक उद्भावनाएं आती थी। तो मैथिली शरणगुप्त के संबंध में जो मौलिक उद्भावना है, एक तो उन्होंने तो लोगों में वीरता जागृत करने के लिए ऐसे पात्रों को लेकर रचनाएं की, फिर दूसरा आप साकेत के संदर्भ में देखेंगे और अन्य रचनाओं की दृष्टि से भी आप देखेंगे कि उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों का उद्धार भी किया है। ये सब आप जानते हैं, तो ये काव्य में भी आप निश्चित तौर पर पढ़ेंगे मैथिली शरणगुप्त के संदर्भ में। तो मैथिली शरणगुप्त और अन्य जो भी कवि रहे हैं, तो इनका जमाना अपना था। तो इसमें जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों का पालन करते हुए सारे कवि आगे बढ़ते रहे। तो इस बीच तो एक प्रकार की स्वच्छंदता आने लगी, और एक मुकुटधर पांडे ने तो एक लेख लिखा था जिसमें एक शब्द का प्रयोग किया था। तो मतलब काव्य में धीरे धीरे तो एक प्रकार की स्वच्छंदता आ रही है, और जिन नियमों का पालन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने करवाया था, तो उनको तिलांजलि देते हुए कुछ लोग लिखने लगे, और उस प्रवृत्ति को उन्होंने छायावाद कहा। तो मतलब एक प्रकार की उसमें स्वच्छंदता थी, और जैसे अभी प्रभावती जी ने कहा कि उसमें रहस्यात्मकता भी थी। तो इसको जब आगे जयशंकर प्रसाद और निराला और पंत, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, तो ये धीरे धीरे इसमें आए, और उनकी लेखनी में जो प्रवृत्तियां देखी गई उन्हीं को हिंदी में छायावाद कहा जाता है। तो इसको आमतौर पे तुलना करते हुए समझने के लिए कोई कोई बताते हैं कि अंग्रेजी में जो रोमांटिसिज्म की प्रवृत्ति थी वही छायावाद है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, आप समझने के लिए तो वो कह सकते कि हाँ ये तो इट वॉज इक्वेटेड टू रोमांटिसिज्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बट 100% यू कॉन्ट इक्वेट इट विथ रोमांटिसिज्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इसकी अपनी खूबियां हैं, अपनी विशेषताएं हैं छायावाद की। तो इसको हम हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट प्रवृत्ति मान सकते हैं। तो ये प्रवृत्ति और जगह नहीं रही, जैसे उनका रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ थोड़ी ही आप देख पाएंगे, इसका टोटली डिफरेंस है। जैसे आप जो छायावाद को पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद के कामायनी को पढ़िए, और आप निराला को पढ़िए, निराला की जितनी सारी कविताएं, निराला को और पंत को फिर आप उसमें भी मानते हैं, आगे के प्रगतिशीलता के साथ जोड़कर इनको प्रगतिशील कवि भी कहेंगे, लेकिन शुरुआत में और प्रतिनिधि कवियों में तो जयशंकर प्रसाद को एक छायावाद के प्रवर्तक के रूप में यदि आप मानते हैं, बाकी उनके अनुयायियों के रूप में आप मानेंगे वहां पे निराला, पंत और वर्मा को। और इन्होंने अपने काव्य में एकदम स्वच्छंदता को अपनाई, और पहले से जो रूढ़ियां चल रही थी उनको तोड़ दिया कि हम इसी रूप में क्यों लिखे, इसी उद्देश्य से क्यों लिखे, हम अपने उद्देश्य से लिखेंगे, अपने मन की कल्पना और अपना सूझ जो है उससे हम लिखेंगे। तो मतलब काव्य में एक प्रकार की स्वच्छंदता वहां आ गई। और दूसरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो काव्य में पहले से जो रूढ़ियां चल रही थी उनको तमाम समाप्त करके इन लोगों ने इसको आप एक ढंग से कह सकते हैं कि अपनी कल्पना में, अपने कल्पना लोक में एक प्रकार की रहस्यात्मकता, मतलब अपनी अंदरूनी बातें ये लोग लाने लगे, और उसमें इन्होंने किसी चीज को नहीं छोड़ी। जैसे प्रकृति को भी अपनाया, प्रकृति का मानवीकरण किया, प्रकृति का वर्णन भी किया, तो उसका मानवीय रूप में उसका वर्णन किया था। तो इसमें और फिर जैसे रहस्यात्मकता की बात आती है, तो भक्तिकालीन रहस्यात्मकता और छायावादी रहस्यात्मकता पे भिन्नता यही है कि ये आधुनिक समय में कवि जो है अपने अपनी भावनाओं में तल्लीन रहकर
जो कुछ रचनाएं की है उसी को हमने एक दृष्टि से रहस्यात्मकता, मतलब एक प्रकार की आध्यात्मिकता उसमें भी थी। तो आप जयशंकर प्रसाद की रहस्यात्मकता में और महादेवी वर्मा की रहस्यात्मकता में भी एक प्रकार की आध्यात्मिकता सी आप महसूस करेंगे। तो ये युग प्रवृत्ति भी ज्यादा समय तक नहीं रही, और विशेषकर तो लोग क्या है वहां पे, जिस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हमें समाज की ओर ध्यान देना है, साहित्य तभी सार्थक हो सकता है, लेकिन समाज की उपेक्षा निश्चित रूप से होने लगी थी छायावाद में। लेकिन एक कलाकार के रूप में छायावाद का अपना महत्व है, और हिंदी की अपना एक विशिष्ट युग होने की वजह से इसको हम उसी दृष्टि से मानते हैं। और छायावाद चूंकि 1915 से लेकर लगभग 20 तक का युग था, और 20 के आसपास इसके उद्भव को हम मानते हैं, नाम तो तभी आया था लेकिन उद्भव को लगभग 1919 से मानते हैं। तो 1919 से लेकर 2019 तक 100 साल हो गया, और पिछले एक साल से छायावाद का शत जयंती, हर कोई छायावाद की शत जयंती मना रहे, 100 साल का उत्सव मना रहे। तो छायावाद को यहीं हम समाप्त करेंगे, हमें कई और काव्य प्रवृत्तियों को समझना है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे छायावाद में समाज को लेकर कोई चिंता नहीं थी, जो चिंता पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो इसलिए फिर तो उसी समय तो आप सामाजिक विकास की दृष्टि से देखेंगे और भारतीय परिवेश में जो भी परिवर्तन आया है उसको देखकर देखेंगे, तो जरूर एक, जैसे मैंने कहा था, एक नए मध्य वर्ग का विकास हुआ था। उसके नए मध्य वर्ग के विकास का कारण क्या है, तो हमारे समाज में तो औद्योगिकरण हुआ, तो भारत में ज्यादा जो गांव थे धीरे धीरे फैक्ट्रीज खुलने लगे, कारखाने खुलने लगे, और गांव के लोग फैक्ट्रीज में जाकर काम करते करते नगर मतलब शहरों का, नगरों का विकास होता गया। तो इसमें जो लोग ऐसे चले गए तो वे लोग वहां पे फैक्ट्रीज में काम करते हुए थोड़ा ज्यादा कमाने लगे, फिर ये गांव की तरफ नहीं जाने लगे, तो वहां एक नया मध्य वर्ग का विकास हुआ था, ये बात हमने पहले की थी। तो अब देखिए ये जो औद्योगीकरण है, तो इस औद्योगीकरण के साथ दो प्रकार के लोग सामने आए। एक तो आपके फैक्ट्रीज में उत्पाद करने वाले, दूसरे फैक्ट्रीज लगाने वाले, मतलब पूंजीपति। तो इसको लेकर मार्क्स का जो सिद्धांत है वर्गवाद को लेकर, तो मार्क्सिज्म, तो मार्क्सिज्म में क्या है, तो मार्क्स का ये कहना है तो उत्पादन पर श्रमिकों का अपना अधिकार होना चाहिए। मतलब पूंजीपति पैसे लगाता है, मान लीजिए उसको पास 1 करोड़ रुपए है, उसने एक फैक्ट्री खोल दी, तो वहां ये लोग श्रमिक नहीं जाते, मजदूर नहीं जाते, तो उसका उत्पाद नहीं बन जाता, उसके पैसे अपने बर्बाद हो जाएंगे वहां पे। तो श्रम तो ये लोग करते हैं, तो इसलिए श्रम के फल पर इनका समान अधिकार होना चाहिए। तो मान लीजिए एक उत्पाद बनाते हैं हम, जस्ट ऐसे ही मान लेंगे कोई एक उत्पाद, हम ऐसे मान लेंगे वो लोग ऐसे कैलकुलेटर उत्पादन कर रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक साधन है, पहले ऐसे नहीं होते थे, जस्ट उदाहरण बता रहा हूं मैं। तो अब जो कैलकुलेटर्स का उत्पादन हुआ, तो जिसमें जो भी श्रम किया श्रमिकों ने किया, उनके लिए वेतन ही दिया जाता है, और पूरा का पूरा लाभ जो है पूंजीपति लेता है। तो इसी को कहा गया, मतलब पूंजी जो लगाता है, इन्वेस्ट जो करता है, तो उसको पूंजीपति कहते थे। और इस इनके पक्ष में जो बात होती थी या इनको लेकर जो भी शब्द आया वो है पूंजीवाद। तो पूंजीवादी ये चाहते हैं कि जो पैसे वो लगाते हैं उसका एक एक कौड़ी उनको वापिस आए और पूरा मुनाफा उनको मिले। तो इसको मार्क्स ने इनका इसका विरोध किया था। ये सब आप मार्क्सवाद को जब पढ़ा आप जानते हैं। तो मार्क्सवाद के चिंतन में ये है कि जो दो वर्ग है, एक श्रमिक वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग, और इवन गांव में देखिए, गांव में भी उस समय प्रेमचंद की कहानियों में आप देखेंगे तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। तो जमींदार लोग और सूदखोर, मतलब वो पैसे ब्याज में देकर और ब्याज पर ब्याज लगाकर लूटते थे। तो आप गोदान देखिए तो आपको समझ में आएगा, बाकी कई सारे तो ऐसी उनकी कहानी और उपन्यासों में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो गांव की वास्तविक स्थिति को यथार्थ परक दृष्टि से चित्रण प्रेमचंद ने पहली बार किया, और प्रेमचंद ने 1936 में द
तो एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो अधिवेशन था प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन। तो ये अधिवेशन संपन्न हुआ था लखनऊ में 1936 में, प्रेमचंद ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो लगभग सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहना चाहिए, उसी वर्ष में वो उनका आयु भी हो चुका था और प्रेमचंद तो गुजर गए। लेकिन प्रेमचंद की रचनाएं 1936 से पहले की है, लेकिन प्रेमचंद की रचनाओं में एक प्रकार की प्रगतिशीलता आप देखेंगे। लेकिन 1936 से हम प्रगतिवाद का नाम हमारे सामने आ जाता है, मतलब हिंदी काव्य में प्रगतिवादी आंदोलन की बात तब शुरू होती है और मार्क्सवादी दृष्टि से काव्य रचे जाने लगे। मतलब समाज, समाज का हित उस दृष्टि से देखा जाता था कि समाज में जो वर्ग वंचित है उनके पक्ष में लेखन होता था। तो अब देखिए, रीतिकाल में जैसे लेखन हुआ, उसके बाद जो भी लेखन होता रहा, और जैसे आप साकेत कहिए, बाकी जयद्रथ वध कहिए, बाकी और कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिसमें कुछ ना कुछ और दृश्य आ जाते थे, या भारतेंदु ने भी जो भी लिखा अंग्रेजों के विरोध में भी जो भी रचनाएं की, वो अपनी जगह है। लेकिन काव्य की वस्तु की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा काव्य की वस्तु में संपन्न लोग ही दृश्यों में आते थे। तो गरीब की स्थिति और जैसे मजदूरों की जो स्थिति है उस पर ध्यान नहीं जाता था। तो प्रेमचंद के कफन को लीजिए आप, प्रेमचंद के गबन को लीजिए या गोदान को लीजिए और कई सारे ले लीजिए, उन्होंने सामाजिक समस्याओं को लेकर रचनाएं की है। तो तभी तो वे प्रगतिशील धारा से जुड़े रहे हैं। तो उसके बाद प्रगतिशील काव्य की जो धारा प्रचलित होती है 1936 से, मानते हैं उसको 1936 से लेकर लगभग 1942 तक, 42 में आपको तार सप्तक जब आया तब तक। तो संक्षेप में एक आध पंक्तियों में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रगतिवाद जिसको कहते हैं, तो वो मार्क्सवादी दृष्टि से प्रगतिवाद का प्रचलन हुआ। तो जैसे मार्क्स ने दो वर्गों को माना और जो वंचित वर्ग है उनके पक्षधर होकर रचनाकारों ने अपनी कविताएं लिखी, तो ऐसी परंपरा लगभग 70 तक भी चलती रही। लेकिन हम प्रगतिवाद को 42 तक ही मानते हैं, 36 से 42 तक उसको मानते हैं। तो क्योंकि 42 के आसपास तो आपका तार सप्तक जो कृति है वो प्रकाशन में आया, उसमें 7 कवियों को शामिल करके अज्ञेय ने उसको प्रकाशन किया था। और उसके भूमिका में उन्होंने जो लिखा था, भूमिका में एक शब्द का प्रयोग किया था, एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो प्रयोग शब्द। तो हम राही हैं तो राहों के अन्वेषी, और एक प्रयोग शब्द का किया, प्रयोग नाम का कोई वाद नहीं उन्होंने कहा। और उनके अनुयायियों के तमाम कविताओं का वो देखकर, मतलब उसमें जो भी प्रयोग हुआ था, शिल्प को ज्यादा महत्व दिया गया था, भावना की जगह शिल्प को ज्यादा महत्व दिया गया था। तो और दूसरा क्या है, उस समय तक समाज समाज करते फिर व्यक्ति उपेक्षित हो गया था, तो व्यक्ति को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ज्यादा समाज पर केंद्रित होकर समाज के हित में लिखा जा रहा था, वर्गवाद ज्यादा आया था वहां पे। फिर व्यक्ति की उपेक्षा होने की वजह से व्यक्ति केंद्रित रचनाएं होने लगी, व्यक्ति को फिर सामने लाने लगे, तभी लघु मानव की बात भी आ जाती है। लघु मानव को लेकर आप दोनों, मतलब एक तो प्रगतिवाद प्रयोगवाद में और दूसरा नई कविता में भी इसको पढ़ेंगे। तो वहां लघु मानव मतलब मानव की जो उपेक्षा हुई थी उसको प्रतिष्ठित करने के लिए जो प्रयास हुआ वो दृष्टि है वहां पे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वहां फिर उनके 4 सप्तक सामने आते हैं प्रयोगवाद की दृष्टि से। और फिर नई कविता के नाम से 1950 के आसपास नई कविता पत्रिका प्रकाशित हुई, और उसमें रचनाओं में जो कुछ जैसे प्रगतिवाद का विरोध था, और जैसे आपको प्रयोगवाद में जैसी प्रवृत्तियां सामने आती, वैसी प्रवृत्तियां आपको नई कविता में भी दिखने लगी। इसलिए आमतौर पर नई कविता और प्रयोगवाद इन दोनों के अभिलक्षण में काफी समानताएं आपको मिल जाती हैं। तो उस समय तक हमें आजादी मिल ही गई थी और आजाद भारत से कई सारी अपेक्षाएं थी, क्योंकि जो समस्याएं 200 साल तक अंग्रेजों के जमाने में, मतलब पराधीनता में हम झेलते रहे, तो लोगों ने ये कल्पना की कि हम स्वाधीन हो गए, हमारी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, गरीब नहीं रहेगा देश में,
हम संपन्न हो जाएंगे और यहाँ का शासन व्यवस्था भी ऐसा था कि हमने लोकतंत्र को अपनाया, तो लोकतंत्र में लोगों का विश्वास था, तो निश्चित तौर पर आम आदमी जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है, हम सब सुधर जाएंगे, ये अपेक्षा थी। तो 50 से 60 तक जो नई कविता है तो कुछ एक ढंग से वो कविता चलती रही, लेकिन 60 के आसपास या 50 के 55 के आसपास से ही कुछ और प्रवृत्तियां सामने आई काव्य में। तो वो ये कि 1950 से 60 तक देखने के बाद उनको, कई कवियों को काफी आक्रोश जागृत हुआ उनके मन में, तो काफी निराशा हुई, मतलब परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदली। आप सुनेंगे तो जैसे इंदिरा गांधी के समय गरीबी हटाओ जैसे नारा उन्होंने अपनाया था, और उससे पहले आपको जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने जय जवान जय किसान कहा, तो उस समय एक्चुअली जो सूखा पड़ा था और लगभग तो देश की दयनीय स्थिति, लोग भूखे मरने की स्थिति भी आ रही थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी 1940 से 60 तक की स्थितियां जो देखी, स्वाधीन होने के बाद भी हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, गरीबी खत्म नहीं हो रही है, और लोगों को आम जरूरतें, उनकी आम जरूरतें में तभी तो आया था रोटी कपड़ा और मकान, ये शब्द तो आप अक्सर सुनते हैं, तो ये आम जरूरतें हैं। आज आम जरूरतें और भी बढ़ गई है, जैसे अभी कोरोना काल में आपको पता चल गया कि जैसे आप भी पढ़ रहे हैं तो आपके सामने मोबाइल या कंप्यूटर है, और आपके बच्चों के लिए भी ये चाहिए, बड़ों के लिए भी ये चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी साधन के रूप में हो गया, एक तो मोबाइल चाहिए फिर नेटवर्क चाहिए, तो डाटा के लिए भी चाहिए, तो ऐसी कुछ जरूरतें बढ़ रही है आधुनिक काल में, लेकिन आम आदमी के लिए, गरीब के लिए कम से कम रोटी मिले, पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए, कपड़ा आबरू बचाने के लिए, फिर मकान जो है तो मौसम से बचने के लिए, तो ये आम जरूरतों को लेकर जो भी सवाल उठा था, तो ऐसे सवालों से ही जो प्रगतिवाद शुरू हुआ था, लेकिन प्रगतिवाद का दूसरे ढंग से एक प्रतिरोध जताते हुए जो प्रयोगवाद सामने आया, नई कविता में भी लोग कुछ ढंग से उब गए थे, लेकिन जब समकालीन कविता की हम बात करते हैं तो समकालीन कविता का मतलब कॉन्टेम्पररी, तो कॉन्टेम्पररी का मतलब हम बात कर रहे हैं 1960 की बात कह रहे हैं, तो 1960 की बात, तो 60 से लेकर आज तक फिर लगभग आपको 70 साल हो रहा है, तो इन 70 सालों को क्या एक ही नाम से कहेंगे? जैसे मैंने कहा भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग, द्विवेदी युग आया, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर समकालीन कविता जिसको कह रहे हैं, वो समकाल कब से कब तक है? तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए 1960 से लेकर आज तक समकालीन कविता ही हम कह रहे हैं, तो लेकिन तो उसमें फर्क यही है कि अध्ययन की दृष्टि बदल गई, तो जो जो समस्याएं थी और जिस ढंग से प्रतिरोध का विकास हुआ, तो वैसे 60-उत्तरी कविता, 70-उत्तर कविता, 80 के बाद की कविता, 90 के बाद की कविता और 21वीं सदी की कविता, तो इस प्रकार अलग अलग नाम आए और कई सारे और आंदोलन के नाम आए, जैसे अकविता, वो कविता, ये कविता, कई सारे नाम आए, उनका उतना मायना नहीं है, क्योंकि ये क्या था, एक ऐसी प्रवृत्ति सामने आई छोटी मोटी पत्रिका में, एक विशेषांक के नाम से कुछ कवि मिलजुल कर लिखते थे और उसमें उसको एक अलग नाम देते थे और बोलते थे हमारा एक नया काव्य आंदोलन है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये इसलिए था कि जैसे जयशंकर प्रसाद और निराला पंत वर्मा, इन सबका जैसे नाम हुआ, तो फिर प्रगतिवादी और प्रयोगवादी जैसे उन ग्रुप्स के नाम हुए, एक समूह के कवियों के बड़े नाम होने लगे, इनको लगा हम भी एक समूह बना लेंगे, हम भी कुछ काम करेंगे, हम भी ऐसे कुछ लिखेंगे और कहेंगे कि हमारा उससे डिफरेंट है तो हमारा नाम बनेगा, तो ऐसे आंदोलनों को लेकर जस्ट नाम तक का उल्लेख इतिहास में मिलता है, ज्यादा उनको मायना नहीं दिया जाता, और 60 से लेकर आज तक की जो कविता है उसको एक ही नाम से कहा जाता है, वो समकालीन कविता। लेकिन ये समकाल को अलग अलग से समझने के लिए क्या है, एक एक दशक में 60 के बाद की कविता, क्योंकि 60 की बाद की कविता, बाद की कविता में जैसे मैंने कहा था 1950 से 60 तक जो भी योजनाएं चली सरकार की, तो तब भी निराशा ही निराशा लोगों को लगने लगी, कोई बड़ी प्रगति दिखी नहीं, तो फिर तब जाकर उसका प्रतिरोध जताने लगे और ज्यादा उनके विरोध में लिखने लगे, तो वो परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता है 1970 के बाद जो है देश में आपातकाल की स्थिति आई थी, इमरजेंसी आया था, तब तो कई सारे
कवियों को, रचनाकारों को, क्रांतिकारियों को अंदर डाल दिया जाता था, तब भी रचनाएं की गई, तो तब भी फिर प्रगतिशील रचनाएं होती रही। कई सारे कवि उस समय भी आपको लिखते रहे, तो एकदम इमरजेंसी के विरोध में कई सारी कविताएं आपको मिल जाएंगी, और उस समय की राजनीति के संबंध में भी कविताएं मिल जाएंगी। तो कविता की वस्तु कहाँ, एक राजा की तारीफ करने या जैसे नायिकाओं के वर्णन करने या भक्ति संबंधी वर्णन से लेकर फिर समाज, मनुष्य और उसकी चिंताएं, उसकी संवेदना, ये सारे काव्य की वस्तु बन गई है। तो जब देखा गया कि आधुनिक युग को गद्य काल कहा गया, और गद्य में तो एकदम यही दृश्य देखा गया कि हम गद्य के माध्यम से मनुष्य की संवेदना से संबंधित तमाम बातें साहित्य में ला सकते हैं, और गद्य में तमाम विधाओं का विकास होता गया। इस पर पश्चिम का भी प्रभाव था, पहले से भारत में भी कई सारी आख्यानात्मक विधाएं थी। तो जैसे आपको महाभारत और रामायण में जितनी कहानियां चाहे आप रच सकते हैं, उतनी कहानियां थी, लेकिन आधुनिक कहानी की संवेदना थोड़ी अलग होती है, और उसका शिल्प और गठन और उसकी वस्तु चेतना अलग होती है। उस दृष्टि से कहानी, जिसको हम कथा साहित्य कहते हैं, उसमें कहानी और उपन्यास आ जाते हैं। तो कहानी साहित्य में जैसे प्रेमचंद को हमने बड़े कथाकार माना, तो उनका युग को एक महत्वपूर्ण युग मानते हुए पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, और फिर साठोत्तरी कहानी, सत्तरोत्तर कहानी, फिर समकालीन कहानी जैसे नाम आ जाते हैं। उसमें भी नई कहानी और अन्य कहानियों की कहानी बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तो इतना है कि हम कहानी की दृष्टि से प्रेमचंद को केंद्र में रखकर पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के बाद का युग, और इसमें भी कहानी की कई सारी संवेदनात्मक स्थितियां आई। जैसे प्रेमचंद के समय में जो प्रगतिवादी दृष्टि से रचनाएं की गई थी, उसके बाद आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी रचनाएं की गई, फिर आगे जाकर और भी दृष्टियां साथ में आती गई। तो कथा साहित्य में हम उपन्यास को भी मानते हैं, तो उपन्यास में आप देवकी नंदन खत्री के समय के जो तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों से लेकर फिर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा, फिर मार्क्सवादी उपन्यास, फिर आंचलिक उपन्यास, तो ये भी परंपरा चल पड़ती है। तो उपन्यास के दृष्टि से भी आप प्रेमचंद को केंद्र में रखते हैं, तो प्रेमचंद युग एक है, तो प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद उत्तर युग, प्रेमचंद के बाद का युग, और फिर उसमें भी 60 के बाद की रचनाएं, फिर 70 के बाद की रचनाएं, 60-उत्तर उपन्यास और 70-उत्तर उपन्यास, ये सारी बातें कहते हैं। समकालीन उपन्यासों की बात आती है और 21वीं सदी के उपन्यास की बातें की जाती है। उसी ढंग से आप आलोचना लीजिए, निबंध लीजिए, सभी प्रकार के गद्यात्मक साहित्यों का विकास हुआ, और हिंदी में जो गद्य विधाएं हैं उनकी संख्या लगभग 40 है। तो जैसे आप नाटक कहेंगे, उपन्यास कहेंगे, कथा साहित्य में कहानी और उपन्यास, और फिर एक आध नाम ही गिनेंगे आप, लेकिन इनकी संख्या बहुत असीमित है। आप जैसे डायरी कहेंगे, पत्र कहेंगे, और रिपोर्ट कहेंगे, रिपोर्टाज कहेंगे, रेखाचित्र कहेंगे, जीवनी कहेंगे, संस्मरण कहेंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे, हर कहीं नई नई विधाएं विकसित हुई है, और इन सब में हिंदी में लेखन होता गया, और 1900 से लेकर आज तक लगातार हिंदी में लेखन, न केवल हिंदी भाषी लिख रहे हैं, हिंदीतर भाषी, हिंदीतर प्रदेशों में, जैसे 1918 में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना से पहले से ही यहाँ काफी सदियों से यहाँ पे लेखन होता रहा। जैसे मैंने कहा, हिंदी साहित्य का इतिहास ही फिर से लिखना चाहिए, क्योंकि पौम चेरुवु की रचना दक्षिण में हुई थी। तो इस ढंग से देखा जाए तो हिंदीतर प्रदेशों में भी हिंदीतर भाषियों ने भी रचनाएं की थी, और फिर और भी प्रदेश जैसे विदेशों में भी लेखन हुआ है हिंदी का, हो रहा है लगातार। तो तभी तो हिंदी को विश्व भाषा कही जा रही है, और हिंदी का जो आधुनिक साहित्य है, तो ये आधुनिक साहित्य आपके लिए उतना जटिल नहीं है जितना जटिल आपके पुराना साहित्य है। तो आदिकालीन और मध्यकालीन साहित्य के लिए आपको विशेष परिश्रम करना पड़ता है समझ के लिए, क्योंकि ये बोलियों में है, और अन्य जो आपको जो ज्यादा समझ में ना आने वाली भाषा स्वरूपों में है, जबकि खड़ी बोली आप जो बोलचाल की हिंदी उस प्रकार की भाषा है। हाँ, अपनी अपनी शैली, अपना अपना अपने अपने ढंग से वो भाषा का स्वरूप और मानकता का प्रयोग करते हुए लेखकों ने सृजन लगातार किया है,
और दूसरा तो एक तो दक्षिणी का भी विकास हुआ दक्षिण में, और फिर उसमें भी रचनाएं हुई और उसमें भी काफी बड़ी लंबी परंपरा है। इसलिए हिंदी साहित्य के साथ साथ उर्दू साहित्य, दक्षिणी साहित्य की बातें भी की जाती है, क्योंकि उर्दू को अलग से नहीं देखा जाता था। फिर बाद में जैसे भारतीय संविधान में उर्दू को 8वीं अनुसूची में स्थान मिलने के बाद उर्दू साहित्य और उर्दू साहित्य का इतिहास अलग से बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आधुनिक साहित्य के संबंध में जस्ट एक सामान्य दृश्य मैंने आपके सामने पेश किया। तो इसमें ये कहा कि एक साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली का कैसे विकास हुआ, और काव्य आंदोलनों का संदर्भ लेकर फिर हमने गद्य संदर्भ को लेकर संक्षेप में ही बात की है। तो लगभग हमारा काफी समय हो चुका है, मैंने 10 10 मिनट आपका अतिरिक्त ले लिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा था तो जो आपका 400 पन्नों का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 घंटे में पढ़ना जो है निश्चय ही चैलेंजिंग काम होता है, और आज का जो समय है मेरा आधा घंटा समय आप लोग कोई नए बोले मुझे, आपने कहा जरूर कि मुझे मैसेज भेजा था, मैं मोबाइल की तरफ देखूंगा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो मोबाइल में कोई कॉल आ रहे थे जस्ट देखा कौन कॉल कर रहे बंद किया, तो इसमें मुझे पता चलता डीडी वाले कॉल कर रहे हैं या डीडी स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं, तो तुरंत मैं रेस्पॉन्ड कर देता। मैं क्षमा चाहूंगा उस आधे घंटे के लिए और उसके फेल्यूर के लिए, और अभी कुछ है तो आप बात करेंगे, अन्यथा 26 से फिर से आपकी कक्षाएं हैं, इसका टाइम टेबल आपके पास कोऑर्डिनेटर्स ने भेजा है, तो उसमें 2 विषय मैं और पढ़ाने वाला हूँ। एक है भाषा प्रौद्योगिकी, जो बुक आपने देखा है टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसलिए कोई और इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, मैं ही उस पर बोलूंगा, तो उसको निश्चित तौर पे उसमें जो भी कठिनाइयां हैं आप पढ़ के आइए ताकि वो आसान लगे, उस ढंग से मैं पढ़ाऊंगा भाषा प्रौद्योगिकी को। और दूसरा एक और विषय है, जैसे मैंने कहा हिंदी का लेखन केवल हिंदी वाले नहीं कर रहे, हिंदी तर प्रदेशों में और दक्षिण में भी इसका लेखन हो रहा है, तो हिंदी तर प्रदेशों में हिंदी भाषा एवं साहित्य को लेकर एक और पेपर है आपके पास, तो उस पेपर को भी मैं ही डील करूंगा। तो उसमें हर प्रदेश में कैसे हिंदी का विकास हुआ और फिर हिंदी में लेखन कैसा हो रहा है, इस पक्ष में भी हम बात करेंगे। तो मैं आपसे जरूर ये चाहूंगा कि इन दिनों में, कल छुट्टी है, जो कोई क्रिसमस मनाते हैं जरूर मनाइए, और थोड़ा और समय निकाल लीजिए ताकि 26 के दिन जब आएंगे इन दोनों विषयों से संबंधित आप अध्ययन करके आइए, जो जो जिस समय क्लास है उससे पढ़कर आएंगे, उसके डाउट्स मुझे पूछेंगे, तब इंटरेक्शन में ज्यादा आपको सीखने का अवसर मिलेगा। तो कोई सवाल है तो अभी अटेंड करेंगे, अन्यथा फिर हम परसों मिलेंगे 26 के दिन शाम में 5:30 से आपकी कक्षाएं, 5:30 नहीं, शायद कुछ परिवर्तन है वो आपके टाइम टेबल में होगा, थोड़ा डिफरेंट शेड्यूल था, फिर शायद वो जो भी रिवाइज किया गया वो देख लीजिए आप, उसके हिसाब से फिर क्लासेस उस दिन होंगे। कोई सवाल रह गए हैं? तो यदि कोई सवाल नहीं है तो फिर हम, हाँ काव्या जी बोलिए। जी, इसका प्रेजेंटेशन मुझे मिलेगा लाइब्रेरी में? हाँ, लाइब्रेरी साइट में एक तो आधुनिकता संबंधी एक प्रेजेंटेशन है, पूरे आधुनिक काल का नहीं है, आधुनिकता संबंधी है, ओके सर, थैंक वो आप डाउनलोड कर सकती हैं। आपको यू। ओके एक्चुअली इस सर, पर मैं बनाना चाह रहा था, बना नहीं पाया था अभी, क्योंकि बहुत सीमित समय है, हम रेगुलर क्लासेस यहाँ अटेंड करते हुए इसको किया, और प्रेजेंटेशन में सीमा क्या हो जाती है कि बहुत लिमिटेड हो जाता है टाइम, तो आज ज्यादा कवर करना था इसलिए मैंने ओरल प्रेजेंटेशन भी दिया लास्ट डे, और आगे के भी प्रेजेंटेशंस मैं बना के ही लाऊंगा, और जो प्रेजेंटेशन आपको वेबसाइट में नहीं है वो आपसे शेयर हम करेंगे जरूर। जी और कोई बात अखिला नहीं, जी मैं कुछ लाइब्रेरी में पूछना चाह रही? पढ़ूंगी हाँ काव्या जी, ऐसा। और रविचंद्रन जी धन्यवाद आपके कमेंट के लिए, विजया चित्रा जी और सजनी जी धन्यवाद। थैंक यू जी, ओके सर, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद, और फिर हम मिलेंगे 26 के दिन शाम में, तो कृपया जरूर आप अपनी किताब को खोल के जो जो आपको पूछना है मुझसे तैयार होके आ जाइए, इंटरेक्शन कीजिए ज्यादा। ओके okay. धन्यवाद 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 जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, प्रेजेंटेशन हुआ था वो मुझे लाइब्रेरी में नहीं।